गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग अंकित आनंद राशिद राव सभी लोग आ गए हैं बाकी लोग भी आ जाए लक्ष्मी मौर्या गुड मॉर्निंग अमित सिंह गुड मॉर्निंग आकांक्षा वर्मा गुड मॉर्निंग तो कैसे हैं भाई लोग प्रशांत मौर्या कैसे हैं भाई लोग छुट्टियों का मजा ले रहे हैं तो भैया ज्यादा मजा न लें है ना पढ़ाई करते रहें क्योंकि ये छुट्टियाँ प्लान छुट्टियाँ नहीं है ये हॉलीडेज नहीं है ये मजबूरी वाली छुट्टियाँ हैं है ना तो जो एनर्जी स्टेट तुम लोगों ने अचीव किया था ड्यूरिंग द ऑफलाइन क्लासेस वापस उसी एनर्जी स्टेट में लौट आए है ना क्योंकि बहुत रिलैक्स होकर काम नहीं चलता है जब हम लोग एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं जब एक टारगेट डिसाइड करते हैं तब हमारे अंदर से एनर्जी आती है तो वो टाइमलाइन सब लोग बनाएँ कि हमें मॉडर्न का पूरा मॉड्यूल ख़त्म करना है ऐसे अपने आप को प्रेशर दें इतने दिन में ख़त्म करना है अपने लिए चैलेंज लें कि भाई मॉडर्न हो गया या जो भी केमिस्ट्री में चल रहा है फिजिक्स में ये हमें इतने दिन में ख़त्म करना है मिला है टाइम तो अभी तक के जितने भी बैकलॉग्स हैं जितनी भी समस्याएं हैं उनको हमें किसी तरीके से दूर करना है अगर अभी तक का हमने सब कुछ स्मूथ कर लिया तो आगे का का भी स्मूथ चला जाएगा तो ये जो टाइम टाइम मिला है इस कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें और अपने ऊपर टारगेट जरूर लें यार ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता तो एनर्जी नहीं आती है सोचो जरा एक स्टेट सोचो मैं कई बार बच्चों से बोलता हूं कि आ, जब कभी हमारे सामने एक सिचुएशन होती कि दो दिन में एग्जाम है और हमारे पास पढ़ने को बहुत सारा सिलेबस है और हमें कुछ नहीं आता है है ना कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन बचा है बस अब हमारे पास चार पाँच घंटे हैं और नहीं पढ़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा यानी एक टारगेट होता है कि यार अभी नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा तो हम उस चार घंटे पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और पता नहीं क्या उस प्रेशर के माहौल में अचानक से आधे घंटे पढ़ने के बाद दिमाग ऐसा एक्टिव होता है कि सब कुछ जो सदियों से समझ नहीं आ रहा था वो तुरंत समझ में आना शुरू हो जाता है है ना कितना ऐसे लोग ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि जब हमारे पास प्रेशर होता है तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है यस यस टाइप करें जिन लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है कि जब प्रेशर होता है तो दिमाग काम करने लगता है हाँ यस रविंद्र कुमार यस बिहारी यस ये क्या नाम रखे हो? चा, चाहिल बिहारी सॉरी अवनीत पटेल यस प्रशांत यस तो सबको पता है कि अगर हमारे पास एक टारगेट होता है एक डेट होती है कि यार इतने टाइम में हमें ये करना है तभी हमारा दिमाग एक्टिवेट अब यार ठीक है कोई शेड्यूल्ड एग्जाम नहीं है शेड्यूल्ड टेस्ट नहीं है तो अपने आप अपने चैलेंजेस बना लो अपने आप कोई पेपर लेके बैठ जाओ किसी टॉपिक का पेपर लेके बैठ जाओ जो टॉपिक ख़त्म हो गया है और तुम चैलेंज ले लो कि हमें ये टॉपिक किसी तरह से ये हंड्रेड परसेंट करना है या नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन सही होना चाहिए नहीं हो रहे हैं तो उसको रिव्यू करो देखो बार बार ऐसा करने से शायद हम एक्टिवेट हो जाए हमारा जो मोशन था पहले जैसा फिर से हो जाए रिदम में आ जाए ये जो छुट्टी का आलस है वो हमारे दिमाग से उतर जाए तो पहली बात तो छुट्टी है नहीं क्लासेस लगातार चल रही हैं रिविज़न चल रहा है आते रहें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी बात रदरफोर्ड मॉडल से ख़त्म करी थी हाँ मैंने यहाँ पे बात करी थी कि रदरफोर्ड ने क्या क्या दिया है और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी एक क्वेश्चन की जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तो ये बड़ा यार कॉमन क्वेश्चन है वीकनेस ऑफ रदर मॉडल जो मुझे समझ नहीं आता है कि लोग नेगेटिव बात क्यों करते हैं रदर फोर्ड की आत्मा को शांति नहीं मिलती होगी तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हम इसका जवाब ढूंढेंगे कि क्या कमी रह गई और उस कमी को सुधारा किसने और कैसे सुधारा ये बात हम लोगों ने करना है आज के दिन तो मैं थोड़ा सी बात रदर की याद दिला दू रदर ने पहली बार ये माना था कि न्यूक्लियस के अंदर प्लस जेडी का चार्ज और न्यूक्लियस बहुत छोटे साइज का होता है इस हार्ड पार्ट ऑफ एटम को हम लोग न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं तो न्यूक्लियर पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसमें सेंटर की तरफ एट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो हमारा कूल्स एट्रैक्टिव फोर्स है ना के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाला वो फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है तो क्या सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगा के हम लोगों ने एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू यार जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज ई e इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कूलम फोर्स के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर लगा के हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था मैं सीधे लिख रहा हूँ क्या आया था के जेडी स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर ठीक है यार इसको यूज करके हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा था कुलॉम की ही थ्योरी यूज़ करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं और वो होता है के क्यू वन क्यू टू क्यू वन कितना प्लस जेड और क्यू टू कितना माइनस ई जब पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है तो चार्ज का साइन लेना होता है तो ये आएगा के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी यूज करके लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ठीक है इसके बाद हम लोग के और यू को ऐड करके टोटल एनर्जी लिखते थे और वो आता था माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर ये सारी बातें किसने बताई ये सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई रदरफोर्ड ने इसके अलावा क्या काम किया था मैंने बताया था कि वो अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री टर्न करके वापस लौट जाते हैं है ना वो नियरेस्ट कितना आते हैं एटम के वो नियरेस्ट डिस्टेंस के बारे में किसने बताया था रदरफोर्ड ने है ना रदरफोर्ड ने इतनी सारी बातें बताई बट हम लोग पढ़ते क्या है वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तो वीकनेस ऑफ रदर मॉडल के बारे में हम लोग बात करते हैं कनेक्ट होते रहें बाकी लोगों को इन्फॉर्म करते रहें हाय सुशील हाय अंकित आनंद हेलो सर हेलो राहुल कुमार गुड मॉर्निंग चाहिल गुड मॉर्निंग अंकित गुड मॉर्निंग जुड़ते रहे सभी लोग आगे कंटिन्यू करना है हमें बोर्स मॉडल अभी क्या चल रहा है मॉडल तो मॉडल यहां तक हम लोगों ने रदर फोर्ट मॉडल के बारे में पढ़ा था एक और फार्मूला रदर मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल कितने एंगल पे टर्न करेंगे ये थीटा क्या था कितने एंगल पे टर्न करेंगे या डेविएट करेंगे और एन क्या था नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल जो उस एंगल पर टर्न किए हैं है ना तो अब यार हम लोग आगे बढ़ते हैं वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल रदर से क्या गलती हुई क्या कमी रह गई तो मैंने कहा यार पहली बार जब कोई मकान के बारे में सोचता है पेड़ से उतर के इंसान ने जब कभी मकान में रहने के जमीन में रहने के बारे में सोचा होगा तो एकदम से पीओपी वाला मकान नहीं बनाया होगा गलती तो होती ही है घास फूस का मकान फिर धीरे धीरे अपग्रेड करते करते आज हम बढ़िया मकान में रहते हैं है ना तो रदर फोर्ट भी उसी सीरीज में शुरुआती साइंटिस्ट था तो शुरुआती में जितना उसे बोलना था उतना उसने बोल दिया लेकिन अभी क्या है कि उस जमाने का मैं सीन याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नील्स बोर जो है कहीं से मीडिया को बता देते होंगे कि यार रदर ने बढ़िया नहीं बताया तो रदर अपनी सफाई देते होंगे फिर बोर कुछ और बोल देता होगा रदर अपनी सफाई देते होंगे ऐसा कुछ चला होगा साल छह महीने लेकिन नील्स बोर से अगर उस जमाने के पत्रकार पूछते हो भैया आप अपनी बात बताओ तो शायद वो अपनी बात नहीं बताता होगा कहता हूँ पहले रदरफोर्ड की कमियां लिखो है ना तो क्या बातें उस जमाने में चली होंगी पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ में रदरफोर्ड ने बहुत पूरी बात नहीं करी है पूरी बात ऐसा कि यार भैया ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर वी की वेलोसिटी है मान लेते हैं और वेलोसिटी है तो वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एटम के अंदर से लगातार एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्न होता है यार एक एटम को लेके बैठो तो शायद ना दिखे लेकिन अगर हम बहुत सारे एटम को एक साथ एनालाइज करें तो उससे निकलने वाली एनर्जी को हम देख सकते हैं Obviously, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ऐसे हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख सकते हैं कि एटम से लगातार एमिशन यानी एनर्जी निकलती रहती है और लगातार कुछ ना कुछ एनर्जी एटम्स खाते रहते हैं मतलब एब्जॉर्ब करते रहते हैं ऐसा उस जमाने में देखा गया होगा तो शायद इसके पीछे नील्स बोरी होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि देखो यार रदरफोर्ड ने यह तो बताया नहीं कि एनर्जी निकलती क्यों है और निकलती है तो कहां से निकलती है है ना और किस तरह की कि एनर्जी निकलती है इसके बारे में तो रदरफोर्ड ने कुछ बताया नहीं तो रदरफोर्ड ने भी थोड़ा मेहनत करी होगी घर जाके कि एनर्जी कहाँ से निकल सकती है तो उसने कहा देखो यार एनर्जी के फार्मूले हैं टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है ये एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है कैसे कम या ज्यादा होगी भाई K, Z, e, ये सब तो फिक्स हैं आर ही बदल सकता है तो क्या आर कम हो जाए या आर ज्यादा हो जाए तो क्या उसकी टोटल एनर्जी में फर्क पड़ेगा टोटल एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी उसी वजह से जब एनर्जी बढ़ जाती होगी तो इसका मतलब उसने एनर्जी खा ली एटम ने एनर्जी खा ली मतलब एब्सॉर्व कर ली और जब एनर्जी बढ़ जाती होगी या कम हो जाती होगी तो मतलब एनर्जी निकाल दी तो यार रदरफोर्ड के हिसाब से कि भाई इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है अगर वो कभी अपनी रेडियस कम करता होगा तो क्या उस दौरान कम करने के दौरान एनर्जी निकालता होगा भाई रेडियस अगर कम करेगा तो एनर्जी ज्यादा निगेटिव हो जाएगी यार ध्यान रखना भैया रेडियस कम होना एनर्जी का ज्यादा निगेटिव होना और ज्यादा निगेटिव होना मतलब कम होना यार एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो भैया इसका मतलब उसने एनर्जी निकाल दी तो उसने कहा कि भैया इस वजह से एनर्जी निकलती है तो उसने कहा एनर्जी एब्जॉर्व क्यों होती है तो भाई जब ये एटम ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता होगा उस दौरान वो क्या बताओ ये जो अंदर वाली साइकिल हम लोगों ने बनाई है इस दौरान एनर्जी निकलती होगी और जब कभी बाहर से अंदर के बजाय अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन जाता होगा तो क्या उस दौरान एनर्जी एटम आता होगा क्लियर है तो एनर्जी खाने के पीछे रेडियस का वेरिएशन है और एनर्जी निकालने के पीछे भी रेडियस का वेरिएशन उसने बताया तो अगला सवाल खड़ा हो गया रेडियस का वेरिएशन अगर हो रहा है रेडियस लगातार कम हो रही है तो कम होते होते वो न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता है ना इसका क्या कारण है ये रदरफोर्ड बताने में कामयाब नहीं रहा तो क्या स्टेबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया पहला फेल्योर का कारण क्या था स्टेबिलिटी ठीक है रदर फोड़ के फेल का पहला कारण क्या था स्टेबिलिटी ठीक है तो भैया एनर्जी स्टेट बदलना है तो यहाँ आके बदल सकते हो घर में बैठ के केवल एनर्जी स्टेट खराब होती डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो बिना मास्क अलाउड नहीं है हाँ ठीक है तो जो लोग आ गए हैं भैया ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है गलतफहमी ना पाले जो लोग ये बुलाए गए हैं इसलिए कि मुझे लगे कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ कैमरे से बात करना अभी मैंने सीखा नहीं है आ, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा लगातार ऐसे ही चलता रहा तो पहली बात स्टेबिलिटी ऑफ एटम इसके बारे में रदर फोर्ट के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं था तो भैया रदर भी बोले कि यार भैया इतना है इतना मैंने बता दिया है बाकी सब नील फोर्ट से पूछो है ना उस जमाने की मीडिया की चर्चा चल रही है कि क्या हुआ था कि रदर की वीकनेस हम लोग आज तक पढ़ते हैं पिछला लेक्चर अटेंड किया था तुम लोगों ने मैं पाप लगेगा तुम लोगों को एक उभरते हुए टीचर की क्लास नहीं पढ़ता तो यार <laughs> एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम दूसरी बात चलो मैं यही लिख देता हूं मुझे लगता है कि कैमरा पर्सन इज बिजी दूसरी बात है यार बैंड स्पेक्ट्रम इन कंपैरिजन टू कंपैरिजन टू कंटिन्यूसपेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्वड वॉज ऑब्जर्वड तो यार ये जो पूरी लाइन है ये लाइन पहले ही हिला दी होगी उस जमाने के रदरफोर्ड को भैया ये है क्या भाई हर बात हर कोई थोड़ी जानता है भाई रदरफोर्ड एक जनरेशन पीछे थे तो वो जानते नहीं भैया ये क्या बोल गया बोर्न ने बताया कि भैया हम जब एटम से निकलने वाली लाइट को देखते हैं तो वो लाइट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की नहीं होती कैसी होती है बैंड स्पेक्ट्रम की होती है ये बात तो रदरफोर्ड ने बताई नहीं कि कंटीन्यूअस रदरफोर्ड के हिसाब से जब कोई रेडियस बदलता होगा तो यार जब बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस में आता होगा तो पहले हाई एनर्जी के फोटोन निकलता होगा जब और छोटे में तो और कम एनर्जी और छोटे पे तो और कम बेसिकली रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हर तरह की एनर्जी निकलना चाहिए मतलब अगर 40

तो भैया ये बीच के नंबर जो मिसिंग है उसके पीछे कारण क्या है तो ऐसा किसी ने देखा होगा कि भाई जो एटम से निकलने वाली लाइट है वो हर तरह की नहीं होती कुछ खास खास होती है इसके बारे में तो रदरफोर्ड ने कुछ बोला ही नहीं सब तो लोगों ने रदरफोर्ड पे सवाल खड़े कर दिए इन दोनों को लेकर रदरफोर्ड चुप थे उनके पास कोई जवाब नहीं था अभी तो तुम लोग भी चुप होगी स्पेक्ट्रम होता क्या है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा स्पेक्ट्रम चीज क्या है तब हम लोग समझेंगे कि भाई उसका सोल्यूशन किसने बताया सोल्यूशन किस बताया नीज बोर ने तो बोर ने जितना सोल्यूशन बताया वो सब स्पेक्ट्रम को लेके ही बताया तो मुझे तो पूरा डाउट है कि सारा रायता फैलाया हुआ किसका था नीज बोर ने कहा होगा कि भैया ऐसा है मीडिया वालों ये लिखो कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल गलत दिया है तब हम बताएंगे हमारा क्या है ठीक है तो एक स्क्रीनशॉट ले ले मैं इसको हटा दूं कल कोचिंग के बारे में अनाउंसमेंट होगा कल या आज जो भी है सर सर अनाउंस करेंगे जस्ट मिनट आई हैव नो इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से वीडियो मिल जाए तब आप उसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझें है ना अपने मन से कोई अजम्पशन ना लें बात क्लियर है सर ले लिया स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया किया स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड का लिया है मेरा भी लिया है सर ऑफलाइन ही चला दीजिए हाँ तो चल तो रहा है यार जैसी इंफॉर्मेशन आ जाए तुम लोगों के पास तो चलेगा ठीक है हाँ ये बोर्ड का क्या आज देखो मैं मार्कर थोड़ा डार्क लेके आया हूँ लोगों की कंप्लेन रहती थी कि मार्कर बोर्ड सही नहीं दिखता भैया अपना डाटा प्लान सुधारोगे डेटा प्लान में थोड़ा सा अपग्रेडेड डेटा प्लान लो ताकि ज़्यादा डेटा मिले और तुम एक पी से सात पी में आओ सात पी लगा ले भैया जिनका क्लैरिटी कम नज़र आ रही है उसका मेन कारण होता है कि यूट्यूब अपने आप उसको डिफ़ॉल्ट में लगा देता है मत करो बेटा है ना तो उसको ऊपर जाके सेटिंग का बार होता है वो चार तीन लाइनें बनी हैं वहां क्लिक करोगे तो वहां से जाके क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं जिनको क्वालिटी में दिक्कत आ रही है ठीक है तो यार हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं अगली बात हम लोगों को समझना है कि भैया ये स्पेक्ट्रम चीज क्या है ये जो जिसकी वजह से बेचारा रदर फोर्ड वीकनेस झेल रहा है तो यार स्पेक्ट्रम को मैं बहुत इजी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट इन सम रेडिएशन इन सम रेडिएशन जब मैं रेडिएशन कहता हूं तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें कितने तरह की लाइट है यार लाइट अलग है ये हम कैसे तय करते हैं या तो उसकी वेब अलग है या तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है तो ये पता करना कि किस किस वेबलेंथ की लाइट किसी रेडिएशन में मौजूद है या किस किस फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी रेडिएशन में मौजूद है ये पता करना स्पेक्ट्रम है है ना और ये पता न होता है ये पता किसी फोटोग्राफिक प्लेट में हुए बदलाव से होता है कि कौन कौन सा एलिमेंट आया था हाजिर था कौन कौन सा नहीं था तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं तुम लोगों ने यार प्रिज्म पढ़ा है ये क्या है प्रिज्म है और प्रिज्म के बगल में मैंने एक पर्दा लगा दिया है ये बिल्कुल एकदम फिक्स स्टैंड कर दिया ये दूरी उरी सब फिक्स है और मैं किस एंगल पे लाइट डालूंगा ये भी फिक्स है मैंने क्या है वाइट लाइट डाली है यार मैं अभी विजिबल रीजन की लाइट बोल रहा हूँ इसको बिल्कुल ऐसे ना सोचे कि केवल मैं लाइट की बात कर रहा हूँ जब मैं लाइट बोलता हूँ तो बेसिकली लाइट एक बहुत बड़ी बात है है ना हम लोग उसको विजुअल सेंस में लेते हैं लेकिन लाइट अपने आप में अल्ट्रावायलेट भी होती है इंफ्रा भी होती है जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलता हूं बेसिकली हर तरह की लाइट जो विजुअल है और जो नहीं विजुअल है उसको भी लाइट बोल दें तो कोई बुराई नहीं है ठीक है तो ये व्हाइट लाइट क्या बताओ प्रिज्म से जब पास करती है तो उसकी टर्निंग होती है कि नहीं सबसे ज्यादा टर्न करने वाला वायलेट होता है और सबसे कम टर्न करने वाला रेड होता है बात क्लियर है चलो मेरे पास रेड नहीं है मैं लिख देता हूँ रेड और ये क्या वॉयलेट सबसे ज्यादा तो क्या बताया रेड से वॉयलेट के बीच में जितने कलर मौजूद होते हैं वो सारे कलर यहाँ आएंगे कंटिन्यूटी में या जंप कर करके अगर ये वाइट लाइट है तो उसने वायलेट को बहुत टर्न कराया रेड को कम टर्न कराया बीच में जितने तरह के कलर होते हैं वो मैं ऐसे लिख सकता हूं विबग्योर याद है तो क्या सारे मौजूद होंगे या बीच में कुछ मिसिंग होंगे सारे मौजूद कोई वजह ही नहीं है कि कोई मिसिंग होगा है ना अगर सारे मौजूद हैं तो मैं कहूंगा एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा बल्कि यार वॉयलेट और इंडिगो के बीच में भी जितने शेडेड होते हैं अरे शेडेड वाली बात उन लोगों को तो समझ आना चाहिए जो लोग मैचिंग करवाने जाते हैं कपड़े की दुकान पे मेरे घर पे कपड़े की दुकान चलती है इसलिए सारे शेड आते हैं जब नया नया पीस आता है किसी भी चीज का है ना वो कपड़े में होता है तो बॉर्डर ऑर्डर बनाने के लिए तो शुरू शुरू में सारे शेड होते हैं बीच में फिर यानी शुरू शुरू में जब गड्डी बन के आती है तो ये पीको इको ये कुछ समझ लो तो उस समय वो स्पेक्ट्रम होता है या बैंड स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस लेकिन अब चार महीने बिकने के बाद चार महीने बिकने के बाद कुछ कुछ कलर बच जाते हैं और बाकी कलर मिस हो जाते हैं तो वो फिर कैसा बचा उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम सोचो व्हाइट लाइट में अचानक से ग्रीन गायब हो जाए ऑरेंज गायब हो जाए नहीं तो फिर मैं कहूंगा वो कैसा बन गया बैंड स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से पहले तो ये बात मैं साथ में क्लियर कर दूँ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और बैंड स्पेक्ट्रम क्या है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम से मतलब है कि हैविंग ऑल पॉसिबल हैविंग ऑल पॉसिबल लाइट ऑल पॉसिबल लाइट को हम पता कैसे करेंगे लेमडा या फ्रीक्वेंसी से है ना ऑल पॉसिबल लेमडा या फ्रिक्वेंसी है नाविंग ऑल पॉसिबल लाइट बिटवीन सम रेंज यानी कोई कह दे कि जैसे मैंने रेड और वॉयलेट की रेंज बनाई है तो रेड और वॉयलेट के बीच में ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब ये कंटिन्यूस है नहीं मैं कह सकता हूँ मिसिंग सम लेमडा और न्यू अगर कुछ मिसिंग है बिटवीन सम रेंज यार बहुत सिंपल बात जो कम से कम शब्दों में हो सकती है वो मैं लिख रहा हूँ मेरे ख्याल से मेरा भाव समझ गए होंगे कि भाई पीको वाला जो गड्डी आता है उसमें नए नए में सब सारे पॉसिबल कलर्स होते हैं और दो महीने बिक्री होने के बाद जो कुछ कुछ कलर रह जाते हैं बीच में मिसिंग होते हैं तो उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं और उससे पहले वाले को क्या बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम तो यार व्हाइट लाइट में से मैंने किसी सर्टेन एंगल पे ये ये सर्टेन एंगल पे इंसिडेंस किया है तो कहा वायलेट आएगा कहां रेड आएगा एकदम फिक्स है क्या वो बदल सकता है मैं व्हाइट लाइट दोबारा डालू तो वहीं जाएगा यहां मैंने यार अगर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है तो ना सिर्फ व्हाइट लाइट को बल्कि किसी भी तरह के ई वेव को अलग अलग कलर में तोड़ देगा कहोगे सर कलर तो इतना ही होते हैं बिल्कुल नहीं या रेड से भी कम एनर्जी का है ना रेड से भी कम एनर्जी का क्या होता है इंफ्रा रेड पार इंफ्रा रेड है ना फिर रेडियो वेव, और क्या आएगा है का? ना माइक्रोवेव वेव और फिर और हाइयर रेंज इसका मतलब अगर मैं ईएम रेडिएशन कह रहा हूं तो कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होगा इसके नीचे आएगा यूवी आएगा एक्स रेज आएगा और क्या आएगा गामा रेज इसका मतलब यहां पे हर चीज का फोटो बनेगा हर चीज का स्लॉट होगा और अगर ये ईएम रेडिएशन पूरी बैंडविड्थ वाली है सारे कलर मौजूद हैं तो सारे अपने अपने स्लॉट में विजिबल होंगे क्या बात समझ में आ रही है सारे अपने अपने स्लॉट में विजिबल होंगे फोटोग्राफिक प्लेट से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट मौजूद थे कौन से फोटोन मौजूद थे कौन से नहीं थे अगर इसमें कुछ मिसिंग होगा तो पता चल जाएगा कि ये ये मिसिंग है क्या ये बात समझ रहे हैं यानी अगर मुझे किसी मटेरियल का स्पेक्ट्रम पता करना हो है ना अच्छा एक बार कंटिन्यूस और देखना चाहेंगे बेंड, अरे बनाया है तो देख लो यार कुछ बनाए हैं कुछ डाउनलोड किए भी हैं। पता है इधर बाकी सब छोड़ो यार काम की बात करते हैं बताओ इन दोनों में कंटिन्यूस कौन है और बैंड कौन है हा यार ये, देखो यार रेड से वॉलेट के बीच में हर पॉसिबल कलर है तो ये कौन सा है कंटिन्यूस और ये क्या है बैंड स्पेक्ट्रम देख लिया यार फिर से वहीं आ जाते हैं सारे कलर मौजूद हैं तो कंटिन्यूस बीच बीच में मिसिंग है तो यार अगर मुझे किसी एटम का स्पेक्ट्रम देखना हो तो कैसे देखेंगे यार एक जाइज एटम उसको प्रिज्म के सामने रखो और प्रिज्म के सामने ये ये है तो क्या लाइट छोड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा नहीं अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या डिफरेंट कलर में टर्निंग होगी क्या इस फोटोग्राफिक प्लेट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कौन सा कलर इसने एमिट किया है उसे हमें पता कर लेंगे कि इसका एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है यार भाई एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम जब मैं बोलता हूं मतलब किसी एटम से एमिट करने वाली लाइट ऑब्वियसली एक एटम को हम पकड़ के नहीं लाए होंगे यहाँ बल्क ऑफ एटम्स होंगे बहुत सारे एटम्स की क्राउड को हमने यहाँ रखा और कोशिश करी कि उसकी एक बीम बना के इसमें प्रोजेक्ट किया जाए और फिर फोटोग्राफिक प्लेट में पता किया जाए कि कौन कौन से वेबलेन्थ इसमें मौजूद थे तो क्या हमने अगर इनर्जाइज एटम से निकलने वाली लाइट के लिए हर पॉसिबल कलर पता कर लिया है तो इसका मतलब हमें इमेजन स्पेक्ट्रम पता चल गया बात क्लियर है तो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए क्या चाहिए एक गैस या मॉलिक्यूल जिनसे निकलने वाली लाइट को हम पता करेंगे ठीक है तो बात आएगी पता करें एब्जॉर्न स्पेक्ट्रम कैसे पता करें यार इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि पहले एक ईएम वेव मैंने डाली और सारी लाइट पता कर ली ठीक है सारी लाइट पता कर ली कि कौन कौन सी है फोटोग्राफिक प्लेट ए फिर तुरंत एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी बदल दी पुरानी वाली हमारी लैब में चली दूसरी वाली रख दी और बीच में बहुत सारे रख क्या इन को रख देने से, क्या इस लाइट का कुछ हिस्सा ये एटम करेंगे? और एब्सॉर्व करेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट में वो वो लाइट मिसिंग होगी जो जो इसने खाई है दूसरी फोटोग्राफिक प्लेट तैयार हुई जो एबजॉप्शन के बाद आई है क्या पुरानी वाली प्लेट और नई वाली प्लेट में हम कंपैरिजन कर सकते हैं पहले कौन कौन से थे अब कौन कौन से बचे तो इसका मतलब जो मिसिंग है वो कौन खा गए मॉलिक्यूल खा गए इसका मतलब मॉलिक्यूल कुछ खास खास वेबलैंथ खा गए हर तरह की वेबलैंथ नहीं खाते हैं खास खास वेबलैंथ खा गए तो क्या बताओ इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं स्पेक्ट्रम क्या बात समझ में आ रही है यार एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम कैसे पता करते हैं कौन कौन सी खाई हैं एमिशन स्पेक्ट्रम कौन कौन सी निकाली हैं बात क्लियर है भाई लोग अगला स्क्रीनशॉट ले ले स्पेक्ट्रम को लेके बॉन्ड नहीं बेटा दिव्या बैंड स्पेक्ट्रम है बॉन्ड नहीं है मैंने बॉन्ड लिखा है क्या अरे भैया ये सॉरी ये बॉन्ड नहीं है बैंड स्पेक्ट्रम है अरे ऐसे बैंड मत बजाओ मेरी हैंडराइटिंग की हाँ ये कोई जेम्स बॉन्ड सीरीज थोड़ी चल रही है बॉन्ड स्पेक्ट्रम ओके बैंड स्पेक्ट्रम है यार कैमरामैन कहाँ है पूछ रहा है यार तुम्हें नहीं पता कैमरामैन हमेशा कैमरे के पीछे होता है हाँ ये भी बताना पड़ेगा तुम लोगों को नो सर आपने बैंड लिखा है ओके okay, अब बैंड लिखा है ठीक है ठीक है ठीक है ऑफलाइन कब होगा ये बार बार ना पूछे एक ही जवाब है कि होगा ऑफलाइन ऑफलाइन से बढ़िया कोई मोड नहीं है तो मेरे ख्याल से ये समझ गए कि स्पेक्ट्रम क्या चीज है तो रदर यही बताने में कामयाब नहीं रहे क्या नहीं रहे कि भैया एटम से निकलने वाला यार एटम से निकलने वाला मतलब एबजॉर्शन या एमिशन अरे एटम से निकलने वाला मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में सारी लाइट क्यों नहीं है सारे तरह के वेबलेंथ क्यों नहीं है ये जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए नहीं और अब हमारी एंट्री होती है किसकी अरे रदरफोर्ड के बाद कौन आने वाला है नील्स बोर तो नील्स बोर तो इस तलाश में थे कि बस कोई लिख दे कि रदरफोर्ड के मॉडल में वीकनेस है उसके मन का हो गया तब जाके उसने अपना मॉडल पेश किया नहीं तो भी यार चर्चे हो गए कि हाँ रदर फोर्ड का वीकनेस था रदर फोर्ड भी सन्यास ले लिया उसके बाद सन्यासी बन गए उन्होंने सब ये सब चीजें करना बंद कर दी उन्होंने कहा मैंने गलती कर दी लाइफ में फिजिक्स चूज किया है और नील्स बोर को मैंने अपना स्टूडेंट बनाया नील्स बोर बताया रदर का स्टूडेंट था है ना ऐसे ही मतलब स्टूडेंट भी मतलब किसी के होते नहीं है एक दिन कहेंगे हाँ सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो आप भी से पढ़ेंगे दूसरे दिन कहेंगे नहीं वो वाले ज़्यादा हो गए बिल्कुल <laughs> उसी तरह का नील्स बोर्ड था एक दिन तुम लोग कह के गए थे हाँ सर हमारा टाइम बर्बाद होता है घर पे यहीं आके पढ़ेंगे <laughs> <laughs> तो खैर कोई कंप्लेन नहीं है भाई लेकिन हाँ ऐसा ही होता है यही सच है मतलब <laughs> उस जमाने में भी ऐसे स्टूडेंट होते थे और इस जमाने में भी ऐसे स्टूडेंट हैं हाँ यार हम लोग आते हैं बोर्स मॉडल और बोर्स मॉडल में तुम देखना कि बोर्स की कितनी मेहनत है और रदरफोर्ड की कितनी मेहनत उठाई गई है तब तुम्हें समझ आएगा कि बोर्स ने क्या किया तो बोर्स को यार बोर्स ने बहुत सारी बातें बताई हैं मैं समय समय पे चीज़ें बताते रहूंगा हर चीज़ का एक सही समय होता है तुम्हें तो पता है यार एक स्टोरी मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज़ का सही समय होता है समय से पहले हीरो की माँ नहीं बताती कि हीरो के बाप को किसने मारा था हाँ क्यों क्योंकि समय से पहले अगर हीरो की माँ ने बता दिया तो बच्चा इन मेच्योरिटी में लड़ जाएगा जाके अरे हीरो अपना लड़ जाएगा विलेन से और क्योंकि अभी वो मजबूत नहीं हुआ तो विलेन उसको मार देगा और फिर हीरो की माँ को अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे तो हर चीज़ का एक सही समय होता है और उम्मीद करें कि सही समय पे टीचर सही चीज़ बताए है ना ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कब क्या पढ़ना है इसलिए मैं बोर्ड्स मॉडल को अपने सीक्वेंस में बताऊंगा जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ आए ये जरूरी नहीं है कि वो लाइनें एकदम किसी किताब से मैच करें, ठीक है यार तो सही समय पे हीरो की माँ बताएगी कि हीरो के बाप के साथ क्या हुआ था तो बोर्स मॉडल में सबसे पहली चीज जो मुझे बताना है कि उसने कहा कि भाई ठीक है कि एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं है ना फिर बोर ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं जितनी भी हाइपोथेसिस बता रहा हूँ वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बता रहा हूँ यार एक नई चीज आ गई यानी ये पूरा मॉडल वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम यार भैया सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम तो एक ही होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम तो एक ही होता है वो क्या है हा? क्या बोला अरे हाइड्रोजन ना मुझे नाइट्रोजन जैसा सुनाई दिया तो वो क्या होता है हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है नहीं तो हाइड्रोजन सबसे सुटेबल कैंडिडेट है जो बोर की थ्योरी को फॉलो करेगा बल्कि बोर ने उसी को देख के अपना मॉडल बनाया होगा तो यार अगर कोई सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना दो हीलियम में क्या होता है यार हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अरे भाई जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो थे इसमें दो लेकिन एक हमने उड़ा दिया तो ये बन गया हीलियम प्लस यार एक उड़ा दिया तो क्या ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया ये क्या बन गया हीलियम प्लस। में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई हाँ लिथियम भाई, में तीन प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं तीन न्यूट्रॉन तो अभी क्या इलेक्ट्रॉन भी तीन होंगे लेकिन हमने दो निकाल दिए बचा एक तो इसका मतलब लिथियम में दो निकाल दिए मतलब लिथियम डबल प्लस बन गया बात के ये सब क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोर का मॉडल सबसे पहले तो यही है कि किसके लिए काम करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हाइड्रोजन के लिए काम करेगा हीलियम के लिए काम करेगा हीलियम प्लस के लिए लिथियम के लिए काम करेगा लिथियम प्लस प्लस के लिए तो अभी आगे वाले एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बन, बन जाएगा हालांकि इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान काम नहीं है तो अभी यार हर वो सिस्टम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए बोर ने अपना मॉडल दिया क्या दिया तो यार उसमें भी एक बड़ी बात कर दी क्या एंगुलर मोमेंटम यार भैया ये एंगुलर मोमेंटम मैकेनिक्स का फेमस टर्म है कि हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं अभी फिलहाल ऐसा है अभी फिलहाल मैं बस लिखने वाला हूँ ऐसा है भाई मोमेंटम जानते हो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ मोमेंटम यार जहाँ मोमेंट ऑफ लग जाता है वहां आर से मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक है जैसे मोमेंट ऑफ वेलोसिटी आर इंटू उमेगा नहीं मोमेंट ऑफ फोर्स आर इनटू एफ वो टॉर्क बन जाता है खैर एमवीआर हम ऐसे कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एमवीआर है एंगुलर मोमेंटम एमवीआर को लेके कमेंट किया क्या किया कि एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल थोड़ा सा गंदी लैंग्वेज लिखना साइंटिस्ट की आदत होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई अच्छा ये एच अपॉन टू पाई के लोग ऐसे एच कट लिखते हैं ये और भयानक लगता है मैं तुमको डराना नहीं चाहता तो मैं एच बाई लिखूंगा फिर तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑफ एच अपॉन टू पाई इंटीग्रल मल्टीपल को मैं एन लिख देता हूँ एन एक इंटीजर है इंटीजर मतलब अरे वन टू थ्री वन पॉइंट फाइव नहीं होगा इंटीजर मतलब वन टू के मल्टीपल में है तो एन एच अपॉन टू पाई ये नील्स बोर ने अपनी हाइपोथेसिस में पहला पॉस्टुलेट दिया मेन बात बताई बल्कि मैं कहूंगा यही एक मेन बात बताई बाकी सब तो ऐसे ही है उसने कहा यार कि किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होगा क्या वो एच अपॉन टू पाई हो सकता है टू एच अपॉन टू पाई हो सकता है थ्री एच अपॉन टू पाई हो सकता है लेकिन वो वन पॉइंट फाइव एच टू पाई नहीं हो सकता एंगुलर मोमेंटम इसको एल से डिनोट करते हैं र एंगुलर मोमेंटम को तो एल ये सब हो सकता है ये 2.1 एच अपन 2 पाई नहीं हो सकता नहीं ये मेन बात बताइए क्लियर है इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर मैं आगे उसकी चोरी बताता हूं कि भैया उन्होंने बाकी सब कहां से उठाया अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है शाम तक वेट करो कोई मैसेज आ जाएगा बिल्कुल सही बात है भैया अगर शाम तक आ जाए तो अपना निकल लेना बोरिया बिस्तरा लेके हेलो सर राजा अंसारी हेलो बोलो एम वी आर एन एच भैया तुम कैसे टाइप कर लेते हो यार मुझे तो ऑप्शन ही नहीं मिलते तुम लोग ये सब एम वी आर इक्वल टू एन एच ओप ऑन टू पाई कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर लेते हो बहुत बढ़िया ठीक है तो इसका मतलब मुझे जवाब मिलते रहेंगे यार इतना बोलने के बाद बोर्स ने क्या किया कि ये मैं हटा दूं भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है इसके बाद उसने सारी बातें रदर फोर्ड की उठा ली उसने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, है ना एन मैंने कहा एक नंबर है और एन अब ऑर्बिट भी है आज के जमाने में एन को हम क्या बोलते हैं कि किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है है ना भाई मोमेंटम एन के टर्म में बदलेगा तो पहली सेल में एंगलर मोमेंटम कितना होगा एच ओ पॉइंट दूसरे सेल में टू एच ओ टू पाई तो एंगलर मोमेंटम बदलेगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी बदलेगी क्या बदलेगा यार इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलेगी भाई उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस बदलेगा उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड बदलेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी तो हम लोग उन पैरामीटर को जानना चाहते हैं ठीक है है ना नील्स बोर ने कहा कि ठीक है मैं इसकी मदद से सब कुछ बता सकता हूं ठीक है ना और वो कुछ खास खास होगा सब कुछ कुछ नहीं होगा क्यों अरे भाई जब एंगुलर मोमेंटम कुछ खास खास है न, एन नहीं टू पॉइंट वन नहीं हो सकता तो क्या फिर वेलोसिटी रेडियस और एनर्जी सब कुछ खास खास होगा यार खास बोल रहा हूं खास नहीं बोल रहा हूं भैया हाँ क्योंकि आजकल खांसी का जमाना चल रहा है तो यार खास खास मतलब कि हर कुछ नहीं अगर 13.6 पॉइंट इलेक्ट्रॉन बोल्ट है तो उसके बाद 3.4 पॉइंट इलेक्ट्रॉन बोल्ट बीच का सारा मिसिंग है यानी सब कुछ क्वांटाइज होगा यार इसको वर्ड बोलते हैं क्वांटाइज क्वांटाइज का मतलब हाँ बिल्कुल क्वांटाइज का मतलब कि वो कुछ खास वैल्यू रखेगा बीच की मिसिंग होगी अरे तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है किसी सिस्टम का वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता 10 19 हो सकता है उसका डबल हो सकता है उसका ट्रिपल होता है मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने ये पहली बार बताया था कि चार्ज इज क्वाना तो अब मैं क्या कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम इज क्वानाइज ठीक है तो यार एक बात तो उसने अपनी बताई दूसरी बात उसने रदर की उठाई रदर ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है और सर्कुलर मोशन के लिए सेंटिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है और सेंटिपिटल फोर्स की जरूरत कौन पूरा करता है हाँ सेंटिपिटल फोर्स की जरूरत कुलम्ब फोर्स पूरा करता है एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के यार पता ये नाम फोर्स है के क्यू वन क्यू टू अरे बताया पहले तो क्या आर से आर गया तो एम बी स्क्वायर बाई आर आया था ठीक है क्या एम बी स्क्वायर बाई आर एम बी स्क्वायर और ये आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दू इज इक्वल टू क्या के जेडी स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने अपडेट कर दिया क्या इन दोनों इक्वेशन इसको इक्वेशन टू बोल देता हूँ क्योंकि मैं रदरफोर्ड को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ है ना नादर तो फोर्ड वाले को वन बोला है इसमें कोई क्या क्लेम कर सकता है मेरा मन तो यार इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को सॉल्व करके यार तुम्हें अननोन नजर आ रहे हैं अरे इन दोनों इक्वेशन में दो अनून कौन कौन से हैं भाई अरे एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जानते हैं एन इंटीग्रल मल्टीपल है वो अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग होगा नहीं मास इलेक्ट्रॉन का मास है तो वी और रेडियस दो ही तो टर्म है क्या दो इक्वेशन मिल जाए तो दो अनून कभी भी निकाले जा सकते हैं तो जरा हम निकाल ही लेते हैं यार तो ये स्किल मैं इसलिए डेवलप कर रहा हूं कि पता नहीं किस फॉर्म में आंसर पूछा जाए तो हम उस फॉर्म में ला किससे सकते हैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से उस समय हमें ऑप्शन देख के समझ में आएगा किस लुक में आंसर निकाला गया है तो मुझे यार वी आता हुआ तो, तो तुरंत दिख रहा है क्या करूं मैं यार फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड कर दूं देखो जरा फर्स्ट में लिखा है एम बी स्क्वायर आर और नीचे लिखा है एम बी आर यार एम बी स्क्वायर बाई आर के सामने क्या है जेडी स्क्वायर और यहां क्या है nh अपॉन टू बाई देखो यार एम से एम गया आर से आर गया बी से बी गया केवल एक बी बचा बी का जो फॉर्मूला आया है जरा देखें टू पाई के जेड स्क्वायर बाई एनएच है ये छोटी छोटी सी स्किल है अगर हम डेवलप कर लेंगे तो हम कभी फंस नहीं सकते पता नहीं किस लुक में क्वेश्चन पूछ लिया जाए अच्छा तुम्हें तो बताया के क्या होता है अरे के होता है वन बाई फोर पाई एफसेल नॉट तो यार क्या टू से टू कटा पाई पाई का हिसाब किताब हो गया अरे पाई पाई का हिसाब किताब हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब रूममेट के साथ लड़ाई होती है तो हम लोग पाई पाई का हिसाब किताब करते <laughs> <laughs> तो ये कितना आ गया भाई हाँ ई स्क्वायर बाई टू एफसेल नॉट एन एच यार मैं थोड़ा गुड लुकिंग फॉर्म में लिखता हूं हाँ Z बाई एन अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई इसमें इतनी चीजें तो फिक्स हैं e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है एप्स नॉट एट पॉइंट एट फाइव इंटू सब सारी वैल्यूज H की वैल्यू सब पता है Z और n ही तो बदलेगा Z बदलना मतलब हीलियम है कि हाइड्रोजन है नहीं या लिथियम है और एन बदला मतलब पहले ऑर्बिट या दूसरे ऑर्बिट क्या ये सबको पता है जेड क्या होता था जेड से हम एटम की पहचान करेंगे नहीं एटॉमिक नंबर होता है और एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट या हम कह सकते हैं कि कौन सा इंटीजर हमने चूज किया है तो यार क्या इतनी वैल्यू पुट करने के बाद यार या तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जा सकता है कल को तुमसे क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी का तो कितने लोग इसको रटना चाहेंगे क्या एनीवन जो रटना चाहेगा देखो यार किसी की मेमोरी पे मुझे कोई डाउट नहीं मुझे पता है कि तुम लोग बहुत कुछ याद रख लेते हो लेकिन थोड़ी सी स्किल भी डेवलप कर लो क्या बुराई है यार इसको रटना से अच्छा हम ये दो चीजें तो जानते ही हैं जब चाहे तब निकाल सकते हैं ये स्किल भी डेवलप कर लो ठीक है यार तो क्या इसकी वैल्यू सॉल्व होके आती है कोई मुझे बताए इन टू टेन टू पावर सिक्स जेड बाई एन क्या बताओ अब ये फॉर्मूला ऐसे याद रखो यार ये याद रखो क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू अक्सर याद रखना पड़ती है ये याद मत रखो ये तो हम निकाल ले जाएंगे क्या वी आ गया यार किसी को कोई दिक्कत है पहली क्लास थोड़ा फास्ट हो गई थी किसी बताना कोई नहीं आ, आज मैं स्लो हूँ आज मैं स्लो का मूड बना के आया हूँ पिछली क्लास भी मैंने काफी स्लो ली है तुम ही लोग मुझे स्लो कर दोगे क्या वी का फॉर्मूला डेराइव हो गया तो अब किसका डेराइव करने वाले हैं आर का एक काम करता हूं मैं यार ये जो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई है उसमें वी उठा के रख दूं यार यहां से उठाना है कहां से उठाना है यार यहां से और उठा के यहां रख देना है यार इससे स्लो क्या होगा ई e स्क्वाई एफ स्लॉट एच जेड बाई एन भैया देखे रहना कुछ गलती हो जाए तो ऑनलाइन जनता क्षमा नहीं करती है हाँ भाई टू से टू गया आर का आंसर लाना था हमें। यार मैं यार आर के आंसर में एन स्क्वायर बाई जेड तो पहले लिख देता हूं अरे देखो ये एन और ये स्क्वायर N, N हो गया उधर जाने के बाद है ना और जेड डिवाइड में आ गया उसके अलावा जो कुछ दिख रहा है लिखते हैं एफ दिख रहा है उधर जाएगा एच दिख रहा है उधर जाएगा और एच का स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल सही है नीचे और क्या आया पाई आया ई e स्क्वायर आया एम आया और कुछ बचा क्या यार देखो जरा फिर से यार एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बदल सकता है कि नहीं तो कम से कम छोटी मोटी वेलोसिटी के लिए नहीं बदल सकता है। पता है लाइट की स्पीड के कंपैरिजन चलने लगे तो मास भी बदल सकता है और चार्ज चार्ज इन वेरिएंट है एप्सिलॉन और एच ये कभी नहीं बदल सकते हैं. तो सारी वैल्यूज बड़ी फैमिलियर सी आ गई है सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं पुट करने के बाद जो आंसर आता है क्या ये रिजल्ट याद रख पाएंगे कितने लोगों को लगता है हमें रिजल्ट याद रह जाएगा एनीवन तो क्या स्किल डेवलप करना ठीक रहेगा बात क्लियर है अब क्या बताओ इसकी वैल्यू सॉल्व करके 0.53 10 टू पावर -10 आती है

ये स्क्रीनशॉट ले ले भाई लोग ये स्क्रीनशॉट में एक बार घुमा दिया करो ताकि बच्चे पूरा स्क्रीनशॉट ले ले पहले इधर का तो फिक्स है इधर को दो स्क्रीन में शायद ले पाएंगे हाँ अरे तुम लोगों की नहीं मैं ऑनलाइन बच्चों की बात कर रहा हूं पूरा बोर्ड नहीं आ रहा भाई प्रॉब्लम रहेगी तब भी कोई नहीं बोलेगा अरे बोलो यार जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे सुधार होगा भैया जहाँ गड़बड़ हो, हो वहाँ पे आवाज उठाओ वहीं सुधार होगा यार हाँ जिंदा हूँ भैया लाइव लाइव चल रहा है हाँ ओके सर जी सर कल की कोई इन्फॉर्मेशन बताएं भैया कितने बार बताएं यार सेम क्वेश्चन बार बार सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ रिवीजन क्लास भैया मैं फास्ट पढ़ा के देख चुका हूँ हाँ दो चार बच्चे कम हो गए थे <laughs> है ना ठीक है तो अभी आ, रिवीजन क्लास है तो मैं ज्यादा लिखा कहा रहा हूँ यार मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ लिखाने का समय बर्बाद हो रहा था वो मैंने हटा दिया है और स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करो लाइने में लिखा नहीं रहा हूँ तो रिवीजन की तरह ही तो चल रहा है ये हटा दे भाई लोग नोट कर लिया है यार ले दे के पूरी कहानी का प्रसाद क्या है पूरी कहानी का रिजल्ट क्या है

कितना एन स्क्वायर बाई यार ये दो फॉर्मूले हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके पता कि फर्स्ट किसका दिया हुआ था बोर का और सेकंड किसका दिया हुआ है रदरफोर्ड का बात क्लियर है यार पूरी कहानी का प्रसाद मैंने वहां लिख दिया है और इसको मैं प्रसाद क्यों कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं पैरामीटर को मैंने रखा है जो एटम्स में बदलने वाले हैं क्लियर है तो अभी यार फेमस क्वेश्चन क्या भाई वेलोसिटी दो हाइड्रोजन एटम में ही दो ऑर्बिट की वेलोसिटी का रेशियो बताओ नहीं पूछा जा सकता अरे भाई पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच का रेशियो बताओ तो वी वन बाई वी टू क्या हो जाएगा टू इज टू वन नहीं क्या हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट तो यार हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट पूछा जाए तो समथिंग इन टू जेड बाई एन करोगे z कितना 1 और n कितना 1 और अगर लिथियम का लिथियम का कौन सा ऑर्बिट बोला सेकंड तो z की जगह 3 और ये सेकंड क्या इनका रेशियो नहीं बता दोगे यार भैया अब ये क्वेश्चन की कैटेगरी तो फिर जिसकी फेमस कैटेगरी है कि दो सिचुएशन में कंपेयर कंपैरिजन करना भरा पड़ा है यार पूरा मॉड्यूल इस तरह के क्वेश्चन से तो हम लोग स्किल डेवलप करते हैं रिवीजन के हिसाब से पढ़ते हैं क्या बताओ वेलोसिटी और रेडियस ये इतने फेमस फॉर्मूले इस इसपे तो बहुत क्वेश्चन चले हैं लेकिन कभी कभी क्या सर्कुलर मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड नहीं पूछा जा सकता एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी जा सकती बिल्कुल पूछी जा सकती है तो क्या उसका रट्टा मारोगे या स्किल डेवलप करोगे चलो स्किल डेवलप करते हैं बताएं जरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कभी सुना है सुना है कि सुना सुना लग रहा है सुना है ना यार ओमेगा इक्वल टू क्या होता बी बाई आर अरे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा याद होगा तुम लोग ना बीवल टू आर उमेगा याद है तो बस वही आएगा कोई बात नहीं उससे बना लो बीवल टू आया है समथिंग समू भाई आर समथिंग मुझे याद रहता है जेड बाई एन और आर इक्वल टू क्या समथिंग इन टू एन स्क्वायर बाई जेड तो क्या ओमेगा का प्रोपोशनलिटी मेन है जो पूछा जाता है क्या बन गई भाई लोग जेड ऊपर चला गया

स्किल डेवलपमेंट को हम डब्बे में नहीं बंद करेंगे हम उनको डब्बे में बंद करेंगे जिनसे सब कुछ निकलता है ठीक है यार एक ये था एक ये था हाँ भाई टाइम पीरियड बताए जरा टाइम पीरियड क्या होता है यस पाई ओमेगा होता है या किसी को ऐसे नहीं टी तो, पता है उसी से आ गया चलो रख देते हैं बाई ओमेगा जेड स्क्वायर एन क्यूब ऊपर आ गया तो क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला यार ये प्रोपोर्शनलिटी चल रही भाई नहीं तो तुम कहोगे एग्जैक्ट है क्या क्या टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गई है एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर क्या ये भी फेमस क्वेश्चन है यार फिर से मैं डब्बे बंद कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ भाई वो चीज जो मेन है उससे ये निकाल सकते हैं है ना फिजिक्स में ये ट्री डायग्राम है यही इंपॉर्टेंट है हम सब कुछ नहीं रट सकते हर दिमाग की एक लिमिट है क्या एंगलर वेलोसिटी टाइम पीरियड ये सारी बातें अब हम कर सकते हैं कोई दिक्कत है कोई दिक्कत आगे बढ़े तो फिर एक और चीज निकालते हैं क्या निकालते हैं इनर्जी नहीं इनर्जी निकालते हैं भाई इसने रदरफोर्ड ने काफ़ी कुछ काम तो करके छोड़ दिया था ना थोड़ा ही तो करना है बता टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा है माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर हुँ? टू आर ओके टू आर ठीक है क्या इसमें क्या रखना बाकी रह गया था यार, ये बताओ जेड ई के ई पता के पता ठीक है यार ई पता के पता अरे टू तो टू तो है Z Z बदलेगा अगर एटम बदलेगा और एटम बदलेगा N बदलेगा तो R बदलेगा तो हम R उठा के रख देते हैं फिर से जरा देखे मैं यहाँ पे K लिख देता हूँ वन बाई फोर पाई एप्सलॉट ठीक है उसके अलावा E स्क्वायर लिख देता हूँ है ना उसके अलावा टू लिख देता हूँ उसके अलावा R यार R का जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी निकलवाया था वो बताओ जरा क्या था एप्सलॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर नीचे कितना ये था कंफर्म करें एक आध लोग यही है क्या अब जरा देखें एक एकजेड ऊपर भी है भाई यार इतना सारा कैलकुलेशन इतने सारे कैलकुलेशन में क्या सब कुछ फिक्स है कुछ फिक्स है तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद एक बड़ा निकालेंगे, सांबर है, 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 है तो एनर्जी जूल में आएगी इसकी कोई डायमेंशन नहीं तो ये टर्म में आएगा जूल में लेकिन हमारा आर, पूरा जब से मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ है कि हम जूल पे इंटरेस्टेड हैं नहीं यानी ये आंसर जो भी आया है ये किस में आया है जूल में कभी हो सकता है कि इस लुक में तुमसे एनर्जी पूछ दें तो कितने लोग को लगता है कि ये हम याद कर लेंगे? हा? नहीं कर लेंगे नहीं सकते लेकिन कड़ियां जोड़ना आता है तो हो सकता है तीन मिनट लग जाए लेकिन हम इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं यही तरीका है यार फिजिक्स सीखने का फिजिक्स में अगर किसी को लगता है कि मेरी मेमोरी अनलिमिटेड है तो याद करके दिखाओ यार इसको और जो याद कर देगा भैया उसको पाँच सौ रुपये का पुरस्कार याद है मैं नहीं दूंगा यार <laughs> चलो अच्छी बात है याद है लेकिन ये कड़ियाँ जोड़ना भी तो पता होना चाहिए यार हाँ अब मुझे बताओ उसी से याद किया है क्या कि मुझे इसका आंसर इलेक्ट्रॉन बोल्ट में चाहिए तो इस पूरे में ई से और डिवाइड करेंगे यार ये पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगा यार तो अब ये किस में आंसर आ गया यार इलेक्ट्रॉन बोल्ट में और ये सब सॉल्व करने के बाद आता है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स है ना जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये यार अगला प्रसाद है उसी का यार आर आया बी आया तो ये आया रदर फोर्ड बस एक ही इक्वेशन मिस किया नहीं तो सब कुछ बताया था बात क्लियर है ये कितना आ गया यार थर्टीन पॉइंट सिक्स ई वी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कोई दिक्कत भाई लोग नोटो यार ये जो थर्टीन पॉइंट सिक्स है ना यार ये बहुत काम आने वाला है और काम आने वाला है तो इस नंबर को हम लोग एक नाम दे देते हैं और वो नाम शायद नीलस वोर का कोई जानने वाला होगा इसलिए होता मतलब जानने वाला या उसकी बड़ी हेल्प करी होगी दाहिना हाथ बाया हाथ टाइप के लोग होते हैं बड़े लोगों के पास समझ रहा है तो इसको नाम क्या देते हैं हम लोग हाँ थर्टीन पॉइंट सिक्स को हम लोग वन रिडबर्ग रिडबर्ग इनर्जी बोलते हैं वन रिडवर्ग इनर्जी याद रहेगा यार ये नंबर बहुत बार आने वाला है इसलिए ये नंबर हम लोग दिमाग में रख लें रिडवर्ग एनर्जी सर बोल दिया है कल से क्लास होंगी ठीक भैया अभी बैठे रहे रिवीजन चलता रहेगा हाँ। अब आए हो तो यार लेके जाओ पूरा करके जाओ न्यूक्लियर और रे, रेडियो छोड़ देंगे ये तो पूरा, हाँ? चलो कभी और करा देंगे क्या इतनी बात क्लियर है तो मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी में एक और फॉर्मूला जोड़ने वाला हूं किसका e स्क्वायर यार ये ई e का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए काम करेगा हीलियम के लिए करेगा या सब के लिए करेगा यार सब के लिए करेगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्योंकि बोर की थ्योरी ही सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ये फॉर्मूला Z बदलते जाओ तो सबके लिए काम करेगा कोई दिक्कत है भाई लोग ये हटा दे ले लिया है ओके इसको ई लिख देते हैं अभी जो चल रहा है और उसको एंजॉय करो सबके क्वेश्चन खत्म हुए ना वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर सब देख लेना अभी क्लास कर लो बिल्कुल अभी क्लास कर लो बाद में देख लेना फॉर्मूले के लिए 500 सौ रुपए मेरे को दे दो कैसे मान लें यार तुम तो यही फॉर्मूला अब दिन दिन पढ़ोगे तब तो याद हो ही जाएगा यार हाँ भाई ठीक है इंफॉर्मेशन मिल गई है तो क्लास पूरी करके जाए चलो अच्छी बात है खुशी में तुम लोग कुछ दान दक्षिणा करके जाओ तो यार एनर्जी आ गई क्या बताओ एनर्जी आ गई कोई कल को तुमसे पूछे ठीक है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला ये है नहीं तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा जरा देखें टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला रदर ये देखे गए थे और काइनेटिक का उसी जैसा है मगर पॉजिटिव है और काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव हो ही नहीं सकती है नहीं काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई एन स्क्त यानी जैसा फॉर्मूला ई e का आया है अब हम उससे काइनेटिक का भी बना सकते हैं कड़ियां जोड़ना ठीक है या सबको अलग अलग याद रखोगे कड़ियां जोड़ना ठीक है क्या बताओ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखूं जरा इधर ध्यान दें पोटेंशियल जी के फॉर्मूले में क्या बताओ केवल आर है यहां टू आर था यहां क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल है मैग्नीट्यूड वाइज या E का डबल है क्या हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ E है डबल ऑफ E है मतलब टू इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स ई बी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस का यार एक बात पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी यार क्वेश्चन बहुत फेमस हैं फैशन में चल रहे हैं बताओ काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है सही या गलत सही या गलत टाइप करने वाले लोग बताएं सही या गलत काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है सही है क्या काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है सही है या गलत हाँ अरे सेम कहाँ होती है माइनस का अंतर होता है क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल जी का डबल होता है काइनेटिक uh, एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल जी क्या ये इसका डबल है नहीं साइन का अंतर है मैग्नीट्यूड वाइज डबल होता है क्या इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं केवल बस ये फॉर्मूले आए हैं और क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो जाएगा नहीं क्या तुमसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी बताओ तो बस तुम हाइड्रोजन मतलब जेड कितना डाल दोगे वन तीसरा ऑर्बिट मतलब एन कितना डाल दोगे थ्री क्या कोई पूछे लिथियम प्लस प्लस के लिए लिथियम प्लस प्लस के लिए तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी बताओ अरे क्या करोगे जेड थ्री डाल दोगे और एन कितना डाल दोगे थ्री दोनों कट जाएंगे वो माइनस थर्टीन पॉइंट क्या जेड और एन बदल बदल के हाइड्रोजन के लिए हीलियम प्लस के लिए लिथियम सबकी एनर्जी बता सकते हैं चलो हम लोग यही करते हैं है ना जो मेन मेन चीजें हैं उनको मैं यहाँ बचा के रखता हूँ एज ऑलवेज ये ये मेरा मेन्यू बार है जो चलता रहता है और उन जो साइड हीरोज हैं उनको हम हटाते रहते हैं क्या इसको हम रिकवर करना जानते हैं कि नहीं इसको रिकवर करना जानते हैं इसको हटा देते हैं ये हमारी स्किल का हिस्सा है हाँ इतना तो हमें याद रखना पड़ेगा यार बहुत कम याद रखना पड़ता है फिजिक्स में ठीक है यार आगे बढ़ते हैं मैं यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ किसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं सबसे पहले किसके लिए हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का जेड कितना होता है भाई वन होता है और एन अरे एन तो अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग होगा तो सबसे पहले मैं बात करूँ एन इक्वल टू वन के लिए बताओ एन इक्वल टू वन के लिए एनर्जी कितनी होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ई अरे भाई जेड भी वन और एन भी वन यार इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया अपॉन एन स्क्वायर जेड वन हो चुका है तो अब हमें इससे ज्यादा बारे में नहीं सोचना मुझे बताओ एन इक्वल टू टू के लिए एनर्जी कितनी आएगी यार इसी फॉर्मूले में एन दो रख देंगे तो ये कितना आएगा इसी फॉर्मूले में एन थ्री रख देंगे तो कितना आएगा फाइव वन इसी में फोर रख देंगे फाइव रख देंगे रख देंगे रख देंगे करते करते नहीं ऐसा कुछ क्या हम सबका एनर्जी ला सकते हैं हाइड्रोजन का आ गया चलो हम लोग यार इस एनर्जी में एक पैटर्न जरा देखें जरा बताओ इनके बीच का गैप कितना है टेन पॉइंट टू इनके बीच का गैप कितना है यार इनका इनका डिफरेंस है वन पॉइंट नाइन एट नाइन चलो वन पॉइंट नाइन के आसपास हम लोग लिख देते हैं ठीक है लगभग वन पॉइंट नाइन का और ये वाला कोई बताएगा यार जो भी है मैं एक बात कह सकता हूँ दावे से कि ये डिफरेंस और कम होगा तुमने ध्यान दिया हो मैंने एनर्जी को लाइनों में हाइट के लुक में दिखाया है तो इनमें जो हाइट का डिफरेंस है सबसे ज्यादा है फिर कम फिर कम फिर कम और ऊपर जाते जाते कम मैंने यार सबसे ऊपर जहां एन इनफाइनाइट होगा उसका एनर्जी कितना लिख दू यार जहां इनफाइनाइट होगा एन उसका ई e कितना होगा जीरो होगा यार एन इनफाइनाइट मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हम सोच सकते हैं भले वहां इलेक्ट्रॉन जाए या ना जाए इतनी बात सबको समझ आ रही है बात क्लियर है तो यही काम हम किसके लिए और कर सकते हैं हा हीलियम प्लस के लिए जिसका जेड कितना होता है टू तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई अरे कोई बताए माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स टू स्क्वाइड बाई एन यस तो कुल मिला के मैं कोई नंबर नहीं लिखने वाला बस इतना याद रखने वाला हूं कि पिछले वाले के मुकाबले ये आंसर चार गुना आते हैं यार इससे ज्यादा कुछ करोगे तो दिक्कत है क्या मैं सीधे लिखने वाला हूं एन इक्वल टू वन बताओ जरा एन इक्वल टू वन की एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू फोर यार उस हिसाब से रखो कि सब कुछ कर पाओ एन इक्वल टू टू की एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स हाँ इटू फोर डिवाइड बाई फोर अरे भाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अरे ये तो वही आ गई यार नहीं हाँ रखा तो तभी तो फोर हुआ टू स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या बताओ ये तो वही आ गई यार देखो तुमने ध्यान दिया हो मैंने दोनों का लेवल सेम दिखाया है यानी का एन इक्वल टू टू वही एनर्जी रखता है जो हाइड्रोजन का एन इक्वल टू वन आगे का हम कर लेंगे आगे का आएगा वन पॉइंट फाइव वन का चार गुना वगैरह 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 और बाद में क्या जीरो क्या ये सारी बातें आगे की कर सकते हैं जो मेन मेन हाईलाइट है मैंने बता दिया अच्छा कोई मुझे बता ये गैप कितना होगा अरे निकालना नहीं पड़ेगा ये 10.2 का चार गुना होगा नहीं अरे इनका डिफरेंस चार गुना है यार ये चार गुना ये चार गुना तो डिफरेंस चार गुना ऐसे याद रखना ज्यादा समझदारी है या निकालना पड़ेगा वाली बात दिमाग में आना पैटर्न बनाना पड़ेगा अगर हम निकाल लेंगे तो फिर एग्जाम में गलती होने वाला है ये गैप कितना आना है भाई 1.9 का चार गुना पास तो कुछ कुछ स्किल डेवलप करें ऐसे डिसीजन ले जिससे गलती की संभावना ना के बराबर है तो और आगे बढ़ते हम लोग अगला आइटम हमारा कौन है रोटेट कर दे थोड़ा सा भैया लिथियम प्लस प्लस जेड कितना जेड कितना तीन इनर्जी का फॉर्मूला कितना माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री का स्क्वायर हाँ एन का स्क्वायर भाई अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग शुरुआत तो करते हैं हम लोग एन इक्वल टू वन तो यार एन इक्वल टू वन की एनर्जी कितनी हाँ माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू नाइन अपॉन वन तो बस इसको नाइन टाइम्स कर दें ठीक रहेगा फिर बताएं जरा एन इक्वल टू टू की एनर्जी कितनी एन इक्वल टू टू की एनर्जी कितनी एन इक्वल टू टू की माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन बाई फोर अरे भाई एन टू रखोगे नाइन तो सब में आना ही है बात क्लियर है क्या इसको हम थ्री पॉइंट फोर का नाइन टाइम्स कर सकते हैं अरे ये बढ़िया है या ये बढ़िया है अरे भाई थ्री पॉइंट फोर तो हमारी आदत का हिस्सा है उसका नाइन टाइम्स कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर बताओ एन इक्वल टू थ्री के लिए एनर्जी कितनी आएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई नाइन हाँ अरे स्क्वायर स्क्वायर एन कितना आ गया है तो और नोटिस करने वाली बात आ गई क्या नोटिस करने वाली बात आ गई है एन इक्वल टू वन हाइड्रोजन का एन इक्वल टू टू हीलियम प्लस का और एन इक्वल टू थ्री लिथियम डबल प्लस का एनर्जी रखता है क्या ये एक थ्यूरी लाइन बन गई क्या लिखना चाहोगे अरे 150 किताबें और एक सौ इक्यावनवा अपना मॉड्यूल सब में यही लिखा है मेन बात है कि हम स्किल कितनी डेवलप कर पाते हैं इस क्लास का यही मकसद है कि हम लोग फिजिक्स को जितना बड़ा देखते हैं हम क्या उसको किसी तरीके से छोटा देख सकते हैं वो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है मेरी कोशिश तो यही रहती है कि यार हम लोग जितना हर क्लास में नजरिया बदलेंगे हर टॉपिक में उसका बेनिफिट मिलेगा मैं इसके लिए चिंतित नहीं हूँ कि तुम्हारा मॉडर्न क्लियर हो जाए मैं इसके लिए चिंता हूँ तुम्हारा वो जो तरीका है वो बदल जाए लेकिन तरीका बदल जाएगा तो एक टॉपिक में नहीं हर टॉपिक में फ़ायदा मिलने लगेगा क्या बात समझ पा रहे हैं एन इक्वल टू थ्री के लिए बात कर ली तो क्या एन इक्वल टू फोर का आंसर आएगा माइनस वन पॉइंट फाइव वन इंटू नाइन वगैरह 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 जीरो क्लियर है यार क्या जो पैटर्न हमने हाइड्रोजन में देखा था कि ऊपर जाते जाते ये डिफरेंस कम होने लगता है क्या वो पैटर्न हम यहाँ भी देख रहे हैं यार ये डिफरेंस के मुकाबले ये डिफरेंस कम, कम और कम और कम और कम ये पैटर्न हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा ये नाइन टाइम्स होगा ये वन पॉइंट नाइन का नाइन टाइम्स होगा क्या ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बात क्लियर है यार ये एनर्जी लेवल डाइग्राम है ऐसा डायग्राम एटम के अंदर होता है क्या यह ये डायग्राम हम अपनी समझने के लिए बना रहे हैं एनर्जी का कोई डायग्राम एनर्जी एक एक्सपीरियंस है एक चीज है जो इलेक्ट्रॉन के पास है उसको हम समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं तो दिमाग में अलग ही ख्याल चलते हैं कि सर ऐसा होता है क्या कुछ नहीं भैया इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ये लाइनें क्यों बनाई है सर क्या सीधा चलने लगता है कभी कभी इलेक्ट्रॉन

इसका यार स्क्रीन जरूर ले लें समझ लें आते हैं अभी अगली बात पे नोट करते रहें प्रतीक मत आना भाई घर से ही क्लास करूँ जब घर पे चलेगी तब ना सर ने क्या बोला है ऑनलाइन चलेगा साथ में अगर चलेगा तो अच्छी बात है मुझे अभी मैंने नोटिस नहीं देखा है देख लें वॉइस सही नहीं आ रही है क्या वॉइस में कोई दिक्कत है एक बार देख लें जरा इन्हीं पे चला के कोई दिक्कत है क्या सही कर लें अगर कुछ दिक्कत है तो एक बार चेक कर लें इज देर एनी प्रॉब्लम किच किच क्यों हो रहा है दिक्कत है तेकी? क्या है देख ये देख लेना क्लास चलते रहने दो भाई अजीम किस बात पे हंसी आ रही भाई हाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही इसमें हंस रहे है इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई सर क्लियर दिख नहीं रहा है गुफरान अहमद भैया अपनी सेटिंग में ऊपर जाके तीन डॉट दिखते हैं वहाँ जाके सेटिंग में 100, 360 पी की जगह सात या 1080 कर लें एज पर योर प्लान ज़्यादा डेटा खर्च होगा अगर ज़्यादा क्लियर देखना है क्लियर आ रहा है मुझे दिख रहा है बस सेटिंग अपनी बदल लो सही हो जाएगा ठीक है चलो हम लोग वापस आ जाते यार नील्स बोर ने रदर को लेके कुछ आपत्ति खड़ी करी थी और वो आपत्तियाँ क्या थी कि रदर ने नहीं बताया प्लीज़ तो बंद कर दे रदरफोर्ड ने क्या कमियां कर दी थी उन कमियों में मेन मेन हाईलाइट क्या थी कि उसने नहीं बताया कि स्टेबिलिटी क्यों है है ना? इसने बताया कि फिक्स ऑर्बिट है इसलिए स्टेबिलिटी है एन बदल ही नहीं सकता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फिक्स है तो या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा या सेकेंड में रहेगा ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेढ़ गुना रेडियस पे चली जाए जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी रेडियस लीनियरली कम या ज्यादा कर सकता है इसके मॉडल में ऐसा कोई स्कोप नहीं था उसने कहा एक एक एटम एक एटम अपनी रेडियस रेडियस या या तो या तो वाली वाली रखेगा रखेगा ऐसा कोई स्कोप नहीं कि कहां बदली जा सके यार अगर एन बदलेगा तभी तो आर बदलेगा किसी एक एटम के लिए तो उसने कहा कि एन फिक्स है इंटीग्रल मल्टीपल में है इसलिए रेडियस कम ज्यादा होने का स्कोप नहीं है इसलिए वो स्टेबल है या पहला जवाब नील्स बोर के ही उसमें मिल रहा है तो मुझे पूरा डाउट है कि नील्स बोर ने ही उसकी कमियों के लिए हाईलाइट किया होगा दूसरा जवाब कि ये कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम इसको समझते हैं जरा कंटिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रम वाली जो कमी जिसपे रदर फोर्ड ने कुछ बोला ही नहीं था वो अब हम समझ सकते हैं मुझे बताओ कि एटम के अंदर ये ये एनर्जीज इलेक्ट्रॉन रखता है यार कौन रखता है एटम रखता है एटम रखता है या इलेक्ट्रॉन रखता है बड़ा कंफ्यूजन है भैया ये ये बताओ एटम की है या इलेक्ट्रॉन की है यार अगर न्यूक्लियस फिक्स है तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम की है और न्यूक्लियस फिक्स है वो कहीं जा नहीं रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन की बोल सकते हैं नहीं फिर हम एटम की क्यों बोल देते हैं अरे ये बोलने का तरीका है भाई एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है नहीं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो हम कह देते हैं एटम एक्साइट हो गया अरे वही कुछ ऐसी बात है कि घर में बच्चा पास हो गया पप्पू पास हो गया ट्वेल्थ में तो पप्पू खुश होगा कि घर खुश होगा पप्पू खुश होगा घर वाले खुश होंगे लेकिन हम बोल कैसे देते आज उनका घर बड़ा खुश है नहीं बोल देते आज उनका घर बड़ा खुश है बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते हैं यार इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन पे था टू पे चला गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तरक्की हो गई इलेक्ट्रॉन की तो हम कहेंगे कि एटम एक्साइट हो गया दोनों एक ही बातें हैं कि बोलने का एक तरीका है कि पप्पू पास हो गया पप्पू का घर आज बड़ा खुश है नहीं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो एक्साइट का मतलब क्या है कि ऑर्बिट लोअर से हायर जाना यार एक्साइट का मतलब क्या है क्या ये लिखना चाहोगे एक सौ किताबें एक सौ इक्यावन मे अपना मॉड्यूल सब में लिखा है मेन बात है समझना एक्साइट मतलब क्या है कि कहीं से लोअर से हायर में चला गया मतलब एक्साइट हो गया नहीं और ऊपर से नीचे आ गया हाँ डी एक्स या ग्राउंड स्टेट में लौटना उसको ग्राउंड स्टेट में लौटना बोलते हैं उसके लिए डी एक्साइड जैसी कोई चीज नहीं है ठीक है तो मुझे बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने तरक्की करेगा यानी ज्यादा निगेटिव से कम निगेटिव में आएगा ध्यान दो यार एनर्जी सारी निगेटिव होती है टॉप तो पे एनर्जी कैसी है जीरो जीरो एनर्जी आना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी में आ जाना यार इलेक्ट्रॉन एक ट्रैप्ड सिस्टम में है मैं बता दूं पूरी फिजिक्स में जब जब कोई चीज ट्रैप्ड सिस्टम में होती है उसकी एनर्जी कैसी होती है नेगेटिव होती है तुम जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे वहां सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो सैटेलाइट की एनर्जी कैसी होती है नेगेटिव और मैं याद दिला दूं सैटेलाइट के फॉर्मूले भी बिल्कुल इससे मिलते जुलते होते हैं है ना उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी तो यार के जगह जी होता है एम बड़ा मास छोटा मास डिवाइड बाई टू आर अरे वहां का भी याद कर लो यार काइनेटिक एनर्जी वहां की पोटेंशियल जी क्या होती है कैपिटल जी बड़ा मास यानी जिसके अबाउट घूम रहा है छोटा मास डिवाइड बाई आर माइनस का बिल्कुल सेम लुक होता है यार बल्कि वहां भी ये जो ऑर्बिट वाले फैक्ट है ना वहां भी बिल्कुल वही होते हैं यहाँ कोलाम फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है वहां ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट करता है तो अगर तुम ये टॉपिक ढंग से समझते हो तो ग्रेविटेशन में भी मदद मिलती है बल्कि ग्रेविटेशन का वो पार्ट जिसमें सेटेलाइट मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं क्या बात समझ रहे तो वहां भी हम कहते हैं सैटेलाइट ओवरऑल निगेटिव एनर्जी रखता है है ना अगर वो फ्री होना चाहता है जब भी मैं कहता हूं फ्री होना चाहता है मतलब किस एनर्जी में जाना चाहता है या या जब फ्री होना चाहता है, मतलब चाहता है है मतलब मतलब वो जीरो जीरो एनर्जी 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 में में पॉजिटिव जाना जस्ट रेस्ट से निकलना एटम के बाहर और पॉजिटिव एनर्जी मतलब हंसते खेलते एकदम स्पीड के साथ निकलना एटम के बाहर क्या बताओ कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर जा सकता है क्या यार कम से कम वो ट्रैप्ड माहौल में तो नहीं जा सकता है अगर उसको उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए जितनी उसके पास निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ सकता है यानी अगर कोई इस स्टेट में है है और मैं कह दूं कि इसको एटम छोड़ना है, तो इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल्ट फिजिक्स में उसको आयनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं क्या नाम आ गया यार या एक नाम आया है एक्साइटेशन नाम क्लियर है दूसरा नाम आया है बाइंडिंग एनर्जी तीसरा नाम आया है यार फिजिक्स में केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता कि आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या अंतर होता है लेकिन फिजिक्स में इन दोनों को एक ही पर्पज के लिए यूज किया जाएगा बाइंडिंग एनर्जी यानी ये क्या है इनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट ठीक है और एक्साइट का एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है गो टू हायर यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है बात क्लियर है तो बताओ अगर मैं कहूं कि को n इक्वल टू थ्री से आयनाइज करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए कितनी प्लस नहीं यानी कुल मिला के बाइंडिंग एनर्जी मतलब प्लस ई एनर्जी दे दो यार बाइंडिंग एनर्जी होती है या बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ती है यार ये ये ख्याल वर्डिंग के साथ मैच कराओ यार बाइंडिंग एनर्जी किसी चीज की एनर्जी होती नहीं है बाइंडिंग एनर्जी इज द रिक्वायरमेंट टू ब्रेक द सिस्टम उस सिस्टम को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो बाइंडिंग एनर्जी चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आया चाहे केमिस्ट्री में आया चाहे फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी का हमेशा यही मतलब है कि तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बात क्लियर है और एनर्जी होती है एनर्जी नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है उतनी पॉजिटिव एनर्जी कोई दे देगा तो वो बाइंडिंग एनर्जी है कुल मिला के जितने अभी मैंने एनर्जी के आंसर्स लिखे हैं क्या ये सब बाइंडिंग एनर्जी के आंसर बन जाएंगे कोई क्वेश्चन बस पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी बताओ इस ऑर्बिट पे क्या हो गए अरे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं बंच में बस मैंने तुम्हें बस सोचना है पत्र एन इक्वल टू वन से हीलियम ऑटम के अगर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है कितनी एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी वही अच्छा आइनाइजेशन पोटेंशियल कितना यार फिर से वही बात इनर्जी इन इलेक्ट्रॉन बोल्ट और पोटेंशियल दोनों के आंसर सेम होते हैं बस इलेक्ट्रॉन बोल्ट बोलना हम बंद कर देते हैं बोल्ट बोलना शुरू कर देते हैं यानी अगर कोई कहे हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है कितनी एनर्जी की जरूरत है तुम कहोगे प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितने वोल्ट कितना आयनाइजेशन पोटेंशियल है थर्टीन पॉइंट सिक्स वोल्ट का आयनाइजेशन पोटेंशियल है नहीं। क्या ये क्लियर है या किसी को डाउट है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको करना है।, इसको बोलते है, फर्स्ट है उसकी तरक्की हो जाती है तो वो फर्स्ट फ्लोर में चला जाता है या फिर से ऐसा कोई डायग्राम दिमाग में मत बनाना है हाँ मतलब जब यहां से यहां एक्साइट होगा फर्स्ट और ज्यादा एक्साइट होगा तो सेकंड में भी जा सकता है और ज्यादा एक्साइट होगा तो ठीक है यार तरक्की का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है तो मैं कह दूं यार एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से फर्स्ट में गया है तो कितनी एनर्जी खा के गया है 10.2 तो क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है नहीं फर्स्ट एक्साइट तो बता यार सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी किसी इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट में है बताएं जरा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी जो ग्राउंड स्टेट में है हा नहीं बता पाओगे अरे यार इन दोनों को जोड़ दो वो आएगा ट्वेल्व पॉइंट वन के आसपास ट्वेल्व पॉइंट वन के आसपास सेकेंड एक्साइटेशन आ गई क्या थर्ड एक्साइटेशन फोर्थ एक्साइटेशन नहीं बात कर सकते और मैं हाइड्रोजन पे बात कर रहा हूं तो क्या इस पर नहीं कर सकते इसपे नहीं कर सकते पास में यार एक से समझना है बाकी सब में सब में धीरे धीरे वही चीज अप्लाई करना है कई बात समझ आ गई है या इसमें मैं और शब्द बोलू हाँ तो अब क्या है

जो इन डिफरेंसेस के बराबर है उसकी तरक्की हो सकती है उतना ही खाएगा क्या टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन खा सकता है नहीं खाएगा मना कर देगा वो बाउंस कर कर जाएगा वो कर जाएगा वो बाउंस क्या बताओ खा सकता है खा जाएगा और उतना ही खाएगा जो किसी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस है तो मैं एक डेल्टा ई का मॉड इसी के नीचे लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसी से आगे का पूरी कड़ियां जुड़ी हैं यार दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस मैंने मॉड लगा दिया तो हमें साइन पे इंटरेस्ट है या नहीं अरे साइन पे हमारे इतनी अकल है कि कब नेगेटिव लिखना है कब पॉजिटिव हमें केवल वैल्यू पे इंटरेस्ट है वो डिफरेंस होगा थर्टीन पॉइंट सिक्स ई वी वन बाई एन लेस स्क्वायर माइनस एन ग्रेटर स्क्वायर बस खत्म और साथ में जेड स्क्वायर से आया यार ये नहीं समझा अरे भाई एनर्जी एक बार एन लेस के लिए निकाली फिर एनर्जी एन ग्रेटर के लिए निकाली उनका डिफरेंस किया है ये वो मॉड है तुम कहोगे सर किससे किसको घटाना है मैं कह रहा मेरा आंसर का वैल्यू का इंटरेस्ट है तो हमेशा एन लेस स्क्वायर माइनस एन ग्रेटर स्क्वायर करो क्यों यार एन लेस मतलब बड़ा नंबर एन लेस मतलब बड़ा नंबर क्यों अरे ये डिवाइड करके बड़ा आ जाएगा छोटा नंबर रिजल्ट बड़ा बड़ा नंबर रिजल्ट छोटा तो छोटा नंबर यहां लिखेंगे बड़ा नंबर यहां लिखेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं केवल हमें वैल्यू पे इंटरेस्ट है क्या दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस स्क्वायर यार जब मैं जेड स्क्वायर लगा देता हूं तो मतलब मैं ये डिस्कशन किसके लिए लिख रहा हूँ सबके लिए हाइड्रोजन के लिए हीलियम के लिए वन बाई एन लेस स्क्वायर माइनस वन बाई एन ग्रेटर स्क्वायर क्या ये फॉर्मूला अब सबके लिए है दो ऑर्बिट के बीच का ये फॉर्मूला किस लिए है यार Energy डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें पता होना ही चाहिए तो क्या इस फॉर्मूले से मान लिया ये एनर्जी रे डायग्राम तुम भूल जाओ तो क्या इस फॉर्मूले से कहीं भी तो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल दोगे कोई पूछे बताओ कितनी एनर्जी खाई निकाल लोगे? अच्छा कितनी निकाली वो भी निकाल लोगे अरे भाई एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही खाएगा एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही यानी अगर कोई एटम यहां से यहां लौटता होगा लौटता होगा तो फोटोन निकालता होगा कितना 12.1 का यहां से यहां लौटता होगा तो कितना निकालता होगा 10.2 का नहीं भाई निकालता मतलब कि एनर्जाइज्ड एटम से एमिशन स्पेक्ट्रम देख लो पता चल जाएगा कौन-कौन से फोटोन निकले क्या वो फोटोन हर एनर्जी के होंगे अरे भाई 10.2 होगा तो 12.1 होगा क्या पांच इलेक्ट्रॉन बोल्ट की एनर्जी निकाल सकता है और जब होगा या बैंड होगा यही बात तो बोर ने एक्सप्लेन करी तभी तो मुझे डाउट होता है कि सारी कमियां जो रदरफोर्ड में थी उन्हीं कमियों पे किसने काम किया है ना खैर ये बात समझ आ रही है यार तो अब कुछ और फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए है ना इसको नोट करें थोड़ा सा मैं कमेंट पढ़ लूँ लोग जा रहे हैं एक्साइटमेंट के मारे कल से तो ऑफलाइन होना ही है इनर्जी डिफरेंट बिटवीन टू एटम यस, ये फार्मूला याद रखना है सर नो डाउट ऑल इज़ वेल वेरी गुड ऑल इज़ वेल होना ही चाहिए सर एनर्जी के टू टाइम्स पता नहीं किसका आंसर दे रहे हो वॉइस सही है कि नहीं है अब सही है ठीक 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 तो अब यार क्या है कि कुछ फैक्ट्स भी न्यूज ने बताए फैक्ट नंबर वन फैक्ट नंबर वन तुम चाहो तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से यार नोट्स जो है ना सबके लिए नहीं होते हैं सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं किसी को कुछ आता है किसी को कुछ नहीं आता है तो फैक्ट नंबर वन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में जाता है तो वहां जाके बस नहीं जाता है टेन टू पावर माइनस एट सेकेंड के इंटरवल के लिए रुकता है और कुछ चक्कर लगा के वो वापस आ जाता है यानी स्थाई ठिकाना इलेक्ट्रॉन का क्या है नहीं अरे मैं मान लिया लखनऊ में रहता हूं तो मेरा स्थाई ठिकाना क्या है लखनऊ है यानी अगर मुझे कंपनी की तरफ से एक पैकेज मिले टूर पैकेज के भैया जाओ सिंगापुर घूम के आओ तो मैं सिंगापुर जाने का पैकेट खा लूंगा और सिंगापुर घूमूंगा और उसके बाद वापस आऊंगा टेन टू पावर माइनस एट सेकंड में नहीं यार टूर करूंगा तो थोड़ा दिन लूंगा इतनी दूर जाओ और टेन टू पावर माइनस एट सेकेंड में आ जाओ ठीक नहीं रहेगा नहीं तो क्या एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाने के लिए एक ही पैकेट खा सकता है या ज्यादा पैकेट खा सकता है हाँ यार भैया देखो ऐसा है कि एक समय पे एक तो टेंट वॉर माइनस एट में लॉट आना है तो एक समय पे वो तीसरी स्टेट में जाए और उसी समय एक और पैकेट मिल जाए कंपनी से फोन आए कि सिंगापुर में हो अच्छा अमेरिका घूम के और आ जाना इतना पैसा और यार इसके चांसेस अरे भैया पहले कंपनी सिंगापुर तो भेजे तो सर सुन रहे होंगे देख लेना सर सिंगापुर के <laughs> <laughs> तो हायर स्टेट से फिर से एक फोटोन मिल जाए इसके चांसेस ना के बराबर हैं तो दो एटम दो एनर्जी पैकेट खाना एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है चलो ठीक है मैं अमेरिका पहुंच गया अमेरिका तक का मिल गया मुझे तो मैंने अब थोड़ा सा चालाकी करी बताया नहीं कंपनी को जब मैं लौटूंगा तो सोचूंगा यार लौटना तो है ही है और एक बुरा बड़ा टिकट करवाने से अच्छा है दो छोटे छोटे टिकट करवा दें वहाँ से लौट के पहले सिंगापुर पहले बीच में लंदन और फिर फिर इंडिया चले मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ये चॉइस रहती है कि लौटते टाइम वो एक से ज़्यादा ट्रांजिशन कर सकता है यानी अगर वो चार नंबर पे गया है तो वो चाहे तो चार से सीधे वन में आ जाए ये संभावना की बात कर रहे हैं ये गारंटीड नहीं है वो चाहे तो चार से तीन तीन से एक आ जाए वो चाहे तो चार से दो दो से एक आ जाए नहीं लौटने में ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन संभव है क्या बात समझ रहा है अपनी भाषा में अगर कुछ लिखना चाहे लिख लें मैं केवल रिविजन करा रहा हूँ तो रिविजन के तरीके से कराऊंगा नहीं तो कहेंगे सर ये तो प्रॉपर क्लास हो गई ठीक है प्रॉपर क्लास ही हो रही है बस राइटिंग वर्क कम है मेंटल वर्क ज्यादा है, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम में कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में आना है कहीं से भी बीच की स्टेट में आना संभव नहीं है लेकिन हां इंटरमीडिएट स्टेप पे जम करके आ सकता है फाइनली कहाँ आएगा ग्राउंड स्टेट में आएगा फाइनली किस में आएगा ग्राउंड स्टेट में आएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो एक बार में फोटोन पैकेट खा के जाएगा बात क्लियर है तो इतना हजम हो गया है तो मैं आगे बढ़ूँ

एस सी वाई लेमडा लिख दो तो क्या आ जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा क्योंकि डेटा याद रखना मुश्किल है ये हटा दे भाई लोग ठीक तो भी बात आती है कि कितने पॉसिबल वेवलेंथ निकलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है एक्साइट कैसे हुआ सबको पता है फोटोनिक एनर्जी खा के अगर एक्साइटेशन कितनी एनर्जी एब्जॉर्व की है कभी निकालना पड़े तो एन लेस ज्यादातर ग्राउंड ही होगा यानी एन लेस कितना होगा वन होगा और एन ग्रेटर क्या होगा यार ये एन एल का मतलब है लेस नंबर नंबर और एन जी का मतलब क्या है ग्रेटर नंबर तो बताओ ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो एन हमेशा क्या होगा One. और ग्रेटर क्या होगा टू थ्री फोर जहां पहुंचा वहां तक का नहीं क्या यही यूज करके हो जाएगा या कुछ और याद रखोगे इसी से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बोर्ड का आंसर तो आ ही जाएगा जूल में बदलना हो तो अरे मल्टीप्लाई कर देंगे जूल में निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे लेकिन अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो कई पॉसिबल ट्रांजिशन संभव है कितने तरह के पॉसिबल ट्रांजिशन संभव है उनके हमने पंच के नाम रखे हैं नहीं और नाम क्या मतलब होता है कि एक टीम में इतने सारे लोग हैं और सबको नाम नहीं मिला रिडवर को ज्यादा फेमस कर दिया था नील्स बोर ने तो बाकी सब दुखी रहते थे कि भैया नील्स बोर ने जो है रिडवर का नाम और रिडवर का नाम एक जगह नहीं दो जगह आया है अभी एक जगह और आने वाला है कैसे यार ये डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया अभी क्या पढ़ाया थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन ये कब पढ़ाया अरे इलेक्ट्रॉन बोल्ट में जूल में बदलने के लिए क्या करोगे वन बाई एन लेस स्क्वायर माइनस एन ग्रेटर स्क्वायर नहीं ये मॉड है ठीक है क्या इसको हम लोग एस सी वाई लेमडा के बराबर लिख दें जेड स्क्वायर और आएगा सॉरी इसके साथ जेड स्क्वायर और आएगा ठीक है ये किसी भी एटम के लिए बात कर रहे हैं तो क्या वन बाई लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर क्या इतना कैलकुलेशन इतना हमें कर लेना चाहिए नहीं और इतना कैलकुलेशन करके कितना आता है वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन इंटू टेन टू पावर कोई मुझे बताया क्या आता है हाँ नहीं क्या बताओ इससे लेमडा किस में आया स्ट्रॉम में सॉरी मीटर में आएगा लेमडा किस में आएगा यार स्टैंडर्ड यूनिट में सब कुछ चला है मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड तो ये भी कितने में आएगा मीटर में यार इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया गया यार फिर से सारे साइंटिस्ट नाराज हो गए यार इसका रिडवर्क बड़ा भाव मिलता है पहले भी रिडवर्क एनर्जी और अब इसका नाम क्या है हाँ रिडवर कांस्टेंट यार अंतर रखना रिडवर कांस्टेंट है ये अच्छा कोई केवल रिडवर्ग बोल दे तो तो कांस्टेंट समझोगे या एनर्जी इनर्ज, समझोगे यार इनर्जी समझना पहला नाम रिडबर का एनर्जी में मिला था तो ये क्या हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट बात क्लियर है ये एक और फॉर्मूला और एक और साइंटिस्ट को उसी साइंटिस्ट को एक बार और खुश कर दिया गया बात क्लियर है ये कि किस एटम के लिए काम करेगा फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए या सबके लिए अरे भाई जब तक जेड नहीं रखा तब तक सबके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सेटर जेड रख दोगे तो वो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा तो हाइड्रोजन के लिए क्या फार्मूला बनेगा हाँ अरे हाइड्रोजन के लिए क्या बनेगा आर जेड रख दो वन बाय एन लेस स्क्वायर वन बाय एन ग्रेटर स्क्वायर बन गया गया हाइड्रोजन एटम के लिए अब किसका किसका यार जनरल लिख दिया तो हाइड्रोजन भी आ जाएगा हीलियम भी आ जाएगा लिथियम जिसका पूछे उसका निकाल देंगे नहीं तो क्या अब लेमडा निकालना भी सीख गए नहीं अब यार इसमें एक बेसिक रेडियस देखो यार हाइड्रोजन एटम में वन से टू जाने में बता यार आंसर क्या आएगा वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ये बेसिक रेडियस है नहीं नहीं इनफाइनाइट वन से इनफाइनाइट जाने के लिए है ना ये लेमडा कितना आएगा लेमडा आएगा वन बाई आर और ये आंसर 912 सौ बारह आता है नहीं यानी अगर भविष्य में हम लोगों को वन बाई लेमडा का आंसर निकालना है तो वन बाई नौ सौ बारह लिख दो एंगस्ट्रॉम लिख दो जेड स्क्वायर लिख दो वन बाई एन लेस स्क्वायर वन बाई एन इससे करोगे तो और फायदा होगा डिपेंड करता है कि आर में आंसर चाहिए तो ये लगाओ और एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए तो ये लगाओ तो ज्यादा जनरल अरे ज्यादा जनरल तो ये है थोड़ा कम जनरल ये है और वही फार्मूला ये है बस एंगस्ट्रॉम में निकालने का एक तरीका है या इस तरह से दिमाग में रखोगे तो चीजें ज़्यादा याद रहेंगी और निकालने की कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी याद रहेगा भाई लोग नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, कमेंट करते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। गोवा की मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी कि कौन लिखा है भाई ऐसे मत समझो यार कंपनी का बजट कम नहीं है यार फिर से देख लो रिपीट करके साइन का फर्क है बस खैर ई टू माइनस ई वन का डिफरेंस का मॉड फॉर्मूला याद रखेंगे तब ठीक रहेगा नो डाउट ऑल इज वेल ये तो पहले वाला कमेंट है ठीक हाँ भाई क्या ये फार्मूला ये फार्मूले में ये फार्मूला ज़्यादा जनरल है भाई जेड लग गया इसमें Z1 रख दो तो क्या हो जाएगा यार Z1 रख दो तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा क्यों बार बार लिखवा रहे हो यार थोड़ा जनरल और पर्टिकुलर समझो यार क्लियर है अब क्या है कि जब रिडबर का नाम इतना ज़्यादा आ गया तो नील्स बोर पे मतलब एक होता है ना कि रिटिलेशन वाला माहौल हो गया हमारा नाम कहीं आया ही नहीं तो चार पांच साइंटिस्ट थे तो नील्स बोर को कहीं पेचक उठा के देते हो <laughs> उनका नाम देना था नहीं उसने कहा देखो यार ऐसा है बहुत सारे फोटोन निकलते हैं है ना और जब हायर स्टेट में होता है तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इंटरमीडिएट ट्रांजिशन होते हैं तो अगर ग्राउंड कहीं से भी वन में ट्रांजिशन होगा तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो लाइमन सीरीज है टू में होगा तो बामर सीरीज पाशन ब्रैकेट फंड ऐसे नाम दे दिए गए जरा एक बार देख लें तो तुम लोगों को याद रहेगा थोड़ा स्लो प्रोसेसर है यार आई थ्री है अभी जो है आई सेवन वाला बजट नहीं है देखो यार ये मैंने वही एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है और इस एनर्जी लेवल डायग्राम में कहीं से भी ट्रांजिशन यार ये एमिशन स्पेक्ट्रम चल रहा है और एबजॉर्बशन पता है यार अगर कहीं से नीचे आया है तो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे होगा एनर्जी ज्यादा होगी तो बाहर बाहर निकलेगा निकलेगा जितना डिफ़रेंस होगा उतनी का पैकेट बाहर निकलेगा। नहीं तो कहीं से एनर्जी तो निकलेगी का होता है, तो मैं ये सबसे फोटोन है और सबसे फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जी के जो फोटोन होंगे उनका लेमडा सबसे कम होगा वो

लेकिन कहीं से भी टू में होगा तो जो फोटोन निकलेगा या जब जब ट्रांजिशन तब तब फोटोन निकलता है तो वो जो फोटोन होगा वो कम एनर्जी का होगा अल्ट्रावायलेट से कम तो अल्ट्रावायलेट से कम होता है या ये क्रम है याद रख सकते हैं अल्ट्रावायलेट से कम एनर्जी मतलब विजवल रीजन की एनर्जी तो क्या बताओ इन एनर्जी के मुकाबले इसकी एनर्जी कम होगी और लेमडा ज्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले इन फोटोन के मुकाबले इनकी फ्रिक्वेंसी देखो यार एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अगर यहां से एनर्जी कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हुई और लेमडा तो ये सब बातें बिल्कुल एकदम बिल्कुल कैश मेमोरी में होना चाहिए कैश मेमोरी होती है एकदम फास्ट मेमोरी और इसका और कम तो इसका फिर विजिबल रीजन से भी कम एनर्जी तो विजिबल रीजन के सबसे नीचे में होता है रेड उससे भी कम तो क्या हो गया इंफ्रारेड रेड से भी कम मतलब इंफ्रारेड और उसके बाद सब एनर्जी इंफ्रारेड रीजन की ही बोली जाती है क्या समझ गया है, है ना क्या एनर्जी डिफरेंस लाना पड़े ला दोगे अरे फॉर्मूला है लैम्डा लाना पड़े ला दोगे फॉर्मूला है क्या मैं लाइमन के लिए फॉर्मूले बामर के लिए और पाशन के लिए सबके लेवल अलग फॉर्मूले बताऊं अरे यार मुझे लगता है कि फिर से वही रिवीजन से तो रिवीजन वाली बात नहीं हुई लेकिन फिर भी अगर लोग जिद कर रहे हैं हाँ हाँ कौन जिद कर रहा है ऑनलाइन में कौन जिद करेगा ऑनलाइन में कोई जित कर ही नहीं सकता है कि तुम तो मतलब मुझे लग रहा है कि तुम लोग फैल जाते हो ना जरा जरा सा जंप कर दो स्टेप तो तुम लोग फिर रोने लगते हो फिर तो बोलते हो ठीक है आज हो गया तो हो गया अब नहीं आए हो लाइमन में कहीं से भी वन में ट्रांजिशन होता है अच्छा एक बात और बता दू ये सब लाइमन बामर पाशन ये सब हाइड्रोजन के लिए बताई गई है न्यूक्लियस हीलियम, हीलियम या लिथियम के लिए मत लिखने लगना है ना भैया कैमरा रोटेट कर दे आर कम वाला ज्यादा वाला अब ज्यादा वाला क्या हो सकता है दो तीन चार कुछ भी हो सकता है तो इससे जो लेमडा आएंगे वो कौन से आएंगे वाले। ठीक है बताओ जरा बामर में क्या हो सकता है हा वन बाई यार ध्यान रखना ये वन बाई लेमडा के फॉर्मूले आ रहे हैं वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर एन कितना होगा थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है पाशन सीरीज में वन तो बाईर के बाद ब्रैकेट आता है, फुंड आता है है जगह नहीं है नहीं लिखूंगा क्या इस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो अल्ट्रावायलेट इस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो विजिबल रीजन यानी दिखाई देने वाली और इस दौरान क्या होती है इंफ्रा रेड रेड से भी छोटी इंफ्रारेड रेड से इंफीरियर इंफ्रारेड और इसके बाद सारे इंफ्रारेट बात क्लियर है भाई लोग क्या निकाल ले जाएंगे कुछ भी पूछा जाएगा निकाल ले जाएंगे हटा दे सब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं फैशन कुछ भी नहीं कोई दमी नहीं इस तरह के क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं हटा देता हूँ रेड hmm. तो so वाला मतलब कम एनर्जी का होगा ब्लू वाला थोड़ा ज्यादा भाई विबर वाला क्रम पता है उस क्रम के हिसाब से हम सीक्वेंस लगा सकते हैं बस ये अंदाजा लगा लें कहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ एनर्जी कम है उसी हिसाब से हम रेड ब्लू और ग्रीन पे भी अंतर कर सकते हैं बिल्कुल विजुअल रीजन में भी ग्रीन और ब्लू और रेड में अंतर करना पड़ सकता है नहीं तो जैसे कोई कह दे यार ब्रैकेट का ये वाला ब्लू है ये ट्रांजिशन तो इधर वाला क्या होगा भाई तो ग्रीन येलो फिर उससे कितना कम एनर्जी उसी हिसाब से बना लेना जब क्वेश्चन आएगा क्या दे भाई लोग यार देखो मेन फॉर्मूले पे ध्यान दो उससे जो सब फॉर्मूला आया है जो जंक्शन आए हैं फॉर्मूला को उन पर ध्यान दो उनसे सब कुछ निकाला जा सकता है हमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है तो ये सब भी अमर हो गए साइंटिस्ट से ज्यादा अमर कोई नहीं है महापुरुषों का नाम तो राजनीति के हिसाब से कभी कभी ऊपर और नीचे जा सकता है लेकिन साइंटिस्ट का नाम हमेशा 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 के लिए हमारी यानी आज से एक हजार साल बाद भी अगर कोई इसका डिस्कशन करेगा तो साइंटिस्ट का नाम रहेगा हो सकता है महापुरुषों का नाम किसी का बड़ा हो जाए किसी का वो राजनीतिक लोग करते रहते हैं किसी का बड़ा किसी का है ना सरदार पटेल का कितना बड़ा कर दिया है चलो तो अभी क्या है कि ट्रांजिशन अगर होंगे तो उनकी गिनती पे क्वेश्चन आता है नहीं अगर मैं कहता हूं एन इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू फोर किसका किसी का भी फोर से लेके वन में ट्रांजिशन हुआ है फोर से लेके वन में ट्रांजिशन हुआ है एक एटम है क्या है सिंगल एटम है और फोर से वन में ट्रांजिशन करना चाहता है मतलब उस गोअर टू पे निकला हुआ है वन में आना चाहता है तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने फोटोन निकाल सकता है या बड़ा पेट क्वेश्चन है और उसका जवाब भी बड़ा पेट है जैसे इन्होंने बोला छ और ये जवाब गलत है क्यों क्योंकि तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने सिंगल एटम लिखा है यार सिंगल एटम और बल्क ऑफ एटम बल्क ऑफ एटम मतलब मैनी एटम यार ये दो क्वेश्चन कई बार लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देते हैं उससे अंतर पड़ता है भाई चार से एक में एक एटम है चौथे में एक्साइटेड है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा फोटोन निकालेगा तो चार से तीन में आएगा तीन से दो में आएगा दो से एक में आएगा कितने फोटोन निकालेगा तीन. यार एक ही तो एटम है ना तो एक ही काम कर पाएगा दो तो दो काम कैसे कर देगा यार एक एटम है तो वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है क्या वो ये भी कर दे और वो भी कर दे दोनों संभव हैं अब जरा समझो अगर बहुत सारे एटम हैं तो वो ये भी कर सकते हैं 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 बहुत सारी संभावनाएं हैं या जब ज्यादा एटम होंगे तो अनलिमिटेड संभावनाएं हैं कम एटम होंगे तो तो अगर कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कितने निकाल सकता है कितने निकाल सकता है तो उसका जवाब होगा इन जनरल एन माइनस वन सर चार है तो तीन निकाल सकता है पांच में होता तो चार निकाल देता छह में होता तो ये कब है जब सिंगल एटम साफ साफ लिखा है बहुत क्लियर कट रहना क्योंकि इसमें गच्चा देगा तुमको क्योंकि तुम्हें पता है वो छे वाला आंसर नहीं अब कोई पूछे मैक्सिमम नंबर फोटोन निकाल सकता ऑल पॉसिबल केसेस पूछे यार इसमें बल्क एटम लिख दे या ऑल पॉसिबल केसेस बोल दे ऑल पॉसिबल केसेस ऑल पॉसिबल केसेस अलग चीज है और मैक्सिमम नंबर फोटो एक एटम से वो अलग चीज है समझ पा रहे हैं अब ऑल पॉसिबल केसेस में तुम कहोगे यार ये एक अलग फोटोन निकलेगा ये अलग फोटोन निकलेगा, 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 निकलेगा ये अलग निकलेगा ये अलग निकलेगा ये अलग निकलेगा ये ये रिपीट हो जाएगा वो तो जैसा है ना ये वाला रिपीट हो जाएगा कौन रिपीट नहीं हुआ यार ये वाला एक और बचा है कितने फोटोन निकल सकते हैं ठीक यार ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं है ना और ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अगर किसी को पूरी करना हो बताओ कम से कम कितने एटम हो जो ये पूरा कर पाएंगे यार देखो एक एटम तो ये करेगा एक एटम ये कर सकता है एक एटम एक एटम ये वाला और ये वाला कर सकता है नहीं और एक एटम ये और ये कर सकता है नहीं एक दो तीन चार एटम चाहिए तब सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो पाएंगी नहीं कम से कम ज्यादा तो हजारों में हो तब तो भी सारे पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे यार मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकालने का फॉर्मूला है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू ये ऑल पॉसिबल केसेस हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इस एग्जांपल में फोर फोर माइनस वन Divide by टू ये कितना आ जाएगा यार फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई टू यानी कितना सिक्स थ्री कहाँ से आया कैसे आया रहने दो क्योंकि इतनी मैथ पे हम बात नहीं कर सकते हैं ऑल पॉसिबल केसेस सिंगल केस कोई दिक्कत है वैल्यू हटा दें स्क्रीन शॉट ले लें ये पांच कहाँ से अच्छा पांच एटम बता रहा हूँ ये क्लियर हो गया है गलती मत करना भैया सीधा सीधा सूखा सूखा तुम्हारा चार नंबर जाएगा एक गलती सावधानी हटी दुर्घटना घटी कितने बार दुर्घटना घटा हो गया यार आ चुका भैया इसीलिए मैं बता रहा हूँ हाँ तुम मैंने तो देखा है मैं तो झेला हूँ हाँ तो भाई लोग ये मेन मेन फॉर्मूले अभी भी यहां पड़े हैं एक आखिरी बात कि ये जो डिब्रॉगली ये जो बोर्स थ्योरी है घर जाने का वेट कर रहे होंगे ऑफलाइन की खुशी महसूस कर रहे हैं ये जो बोर्स मॉडल है बोर ने तो अपनी थ्यूरी बस एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉइंट टू पाई बता दी बाद में डिब्रॉगली जो साइलेंट होके काम करते थे फ्रंट पे नहीं आते थे उन्होंने बताया कि ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे आओ क्या तो डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन एनसीआरटी में दिया है उसने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मॉडल भूल जाओ क्या याद रखो वेव मॉडल याद रखो यार वेव मॉडल मतलब एक वेव का इलेक्ट्रॉन ये दो वेव का इलेक्ट्रॉन ये तीन वेव का इलेक्ट्रॉन दो तो तीन नहीं समझे कहोगे ठीक है लेकिन वो तो सर्कुलर ऑर्बिट में होता है कोई बात नहीं मैं सर्किल में वेव बना देता हूँ यार मैं सबका नहीं बना पाऊंगा इसका बना देता हूँ कितनी वेव है दो वेव हैं मैंने सर्कुलर ऑर्बिट में उसने कहा या तो एक वेव होती है या तो दो वेव होती है या तो और ज्यादा वेव हो सकती है नहीं के फॉर्म में होता है कितनी है इतनी? पाँच वेक इसमें कितनी है दो बेट एक भी हो सकती है में बना नहीं पाऊंगा ठीक है तो उसने हाँ बिल्कुल बन जाएगी तुम लोग नए कुछ छोड़ नहीं सकते <laughs> यार ऐसा है ना ये ऊपर नीचे ओसलेट करेगी इसीलिए बनाना मुश्किल है बस तुम समझ लो कि एक वेब दो वेब बड़ा मुश्किल है दो तक बना पा रहा हूं मैं तो इन जनरल मैं क्या कह रहा हूँ कि डी ने बोला भैया पार्टिकल मॉडल तो भूल जाओ कौन से वेव मॉडल से मैं बता सकता हूँ कि एम बी आर इक्वल टू एन एच अपन टू पाई कहाँ से आया उसने कहा ऐसा है कि यार या तो एक लेमडा या दो लेमडा या इन जनरल एन लेमडा का पूरा पाथ होता है पूरा पाथ होता है पाथ बोले तो अगर ये आर रेडियस का ऑर्बिट है आर रेडियस का ऑर्बिट है तो पूरा पाथ कितना हो गया यार टू पाई आर नहीं अब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है ये डिब्रोगी की क्वेश्चन जानते हो कि नहीं एच अपॉन एम किसने बताया था तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई यानी बोर का कुछ भी नहीं था यानी रदर फोर्ड का कॉपी पेस्ट और दूसरा डी ब्रॉगली का कॉपी पेस्ट हो गया बोर मॉडल बात तो समझ है यानी नील्स बोर का अपना ये भी नहीं था कि किसने एक्सप्लेन कर दिया हालांकि बाद में एक्सप्लेन किया तो नील्स बोर की इतनी चर्चा इसी भी हो गई है ना क्योंकि बहुत दिनों तक उस चीजों को हमने एविडेंस देखे उसके सबूत देखे तो उसको मानना पड़ेगा भले वो कैसे प्रिंसिपल लाया इस पर बहस नहीं होती है साइंटिस्ट में एविडेंस मिल गए तो साइंटिस्ट की बात तब तक सही मानी जाएगी जब तक उससे बेटर कोई प्रूफ नहीं करता है बात क्लियर है साइंस यार ऐसे भावनाओं पे नहीं चलती है एविडेंस पे चलती है सबूत पे चलती है है ना मिथ जो है भावनाओं पे चलता है साइंस नहीं चलती है तो भाई लोग कल से सभी लोग अगर सूचना आ गई है तो सूचना का पालन करें है ना अगर मुझे आगे मौका मिलता है ऑनलाइन का तो मैं दो क्लास लूंगा एक क्लास न्यूक्लियर की और एक क्लास रेडियक्टिविटी बस दो क्लास में मैं पूरा रिविजन कभी ना कभी मौका मिलेगा तो जरूर करा दूंगा ठीक है अभी तक का रिविजन कैसा लगा लाइव चैट में नहीं चैट के बाद यानी वीडियो अपलोड होने के बाद नीचे कमेंट करें है ना लाइक करें मुझे कम से कम एनर्जी आएगी मैं छुट्टी के दिनों में क्लास लिया हूँ है ना कमेंट करें अच्छा लगा बुरा लगा तो ठीक है बुरा लगे तो मत लिखना यार है ना डिसलाइक कर देना और क्या करोगे ठीक जो भी है तो लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें कमेंट करते रहें थैंक यू ठीक हाँ? कल से ऑफलाइन का अनाउंसमेंट हो गया अनाउंसमेंट सुन ले मैंने अभी सुना नहीं इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा ठीक है मिलते हैं फिर ऑफलाइन में मिलते हैं डाउट सेशन में आते हैं ना भाई लोग है ना